इसके बाद पता है पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन और हम डिस्कस करेंगे, आज कोर्स आपका खत्म हो जाएगा। तो एक तो मैं बात कर रहा था क्वेश्चन नंबर टू की, और एक ये था क्वेश्चन ए की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा लैंग्वेज आपको लग सकती है कंफ्यूजिंग है, मैं क्लियर कर दूंगा। ये वाला क्वेश्चन है देखिए, तो इसमें ये जेईई मेन 2016 में आया है, रिफ्लेक्शन को लेके थोड़ा अलग क्वेश्चन है। बाकी कन्वेंशनल क्वेश्चन मैंने आपको कल करा दिए थे, दो क्वेश्चन ये वाले रह रहे थे, तो ये हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद डिफ्रेक्शन मेरी तरफ से खत्म है, बाकी क्वेश्चन आप लगाएंगे, जो डाउट होगा पूछ लेना। तो इसमें है द बॉक्स ऑफ ए पिन होल कैमरा, द बॉक्स ऑफ ए पिन होल कैमरा ऑफ लेंथ एल हैज ए होल ऑफ रेडियस ए, इट इज एज्यूम दैट व्हेन होल इज इल्यूमिनेटेड बाई ए पार्टिकल सॉरी पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द स्प्रेड ऑफ द स्पॉट ऑब्टेन्ड ऑन द अपोजिट वॉल ऑफ द कैमरा इज द सम ऑफ इट्स ज्योमेट्रिकल स्प्रेड एंड द स्प्रेड ड्यू टू डिफ्रेक्शन, द स्पॉट वुड देन हैव इट्स मिनिमम साइज बी मिनिमम। ठीक है, तो अब क्या है, मैं थोड़ा यहाँ फिगर में समझा देता हूँ। ये एक होल है कैमरे का, पिन होल कैमरा कह रहा है, और इसकी कुछ रेडियस वगैरह दे रखी है, दैट रेडियस इज गिवन यू ए। अब सामने यहाँ स्क्रीन पर एक पिक्चर ऑब्जर्व करते हैं, इसमें ये जो लेंथ है, ये लेंथ आपको एल दे रखी है, मैं अभी इसका साइज बड़ा कर दूंगा, पहले जो चीजें दे रखी हैं वो मैं आपको, देखिए ये लेंथ एल है, और ये कह रहा है कि यहाँ जो इमेज बनती है वो इमेज कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अब यहाँ से जो लाइट आ रही है, ये लाइट इस होल से जब गुजरेगी तो ये ऐसे स्प्रेड हो जाएगी इस तरह से। तो ये इसका साइज पूछ रहा है कि ये साइज कितना होगा। हालांकि थोड़ा लैंग्वेज में कन्फ्यूजन है, उसमें दो वर्ड यूज किए हैं कि यहाँ जो इमेज बन रही है इट इज इक्वल टू द सम ऑफ ज्योमेट्रिकल स्प्रेड एंड स्प्रेड ड्यू टू डिफ्रेक्शन। अब देखिए ये जो डिफ्रेक्शन से स्प्रेड हुआ है वही है टोटल ज्योमेट्रिकल स्प्रेड टोटल, तो वो बच्चे को क्या लगता है कि ये ज्योमेट्रिकल स्प्रेड क्या है, तो अब इसमें ज्योमेट्रिकल स्प्रेड तो कुछ नहीं है। हाँ ये है कि इतना साइज तो ये है ही, ये वाला साइज तो है ही, ये जो होल वाला है ये आप चाहो तो इसे ज्योमेट्रिकल स्प्रेड कह सकते, पर ये स्प्रेड नहीं है, ये एक्चुअली होल के साइज के बराबर है। और इसके बाद ये वाला जो है, ये वाला पार्ट, ये डिफ्रेक्शन की वजह से, ये जो मुड़ के गई है ना, ये डिफ्रेक्शन की वजह से, तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। ये एंगल मान लो थीटा है, जेई 2016 का क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये कल मैं जो आपको बता रहा था वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स उसी से रिलेटेड है, पर वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज नहीं करना है। ठीक है, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज करना है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में सब एक्सप्लेन कर दिया, बता रहा है कि वो ऐसे ऐसे करके आपको यहाँ जो स्पॉट मिलेगा, क्योंकि ये यहाँ से लाइट आएगी तो इतने साइज का स्पॉट नहीं बनेगा, बल्कि थोड़ा बड़ा स्पॉट बनता है किसी होल से जब निकलती है, तो ये जो साइज बनेगा वो पूछ रहा है कि उसकी रेडियस कम से कम कितनी होगी, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमको बतानी है। लेट ये बी मिनिमम कह रहा है इसको, सॉरी बी बोला इसने, तो ये बी हमें बताना है। तो बी में दो चीजें आ जाएंगी, एक तो ये जो थीटा एंगल पे ये स्प्रेड हुआ है, ये लेंथ प्लस ये वाले होल की जो रेडियस है वो आ जाएगी। आपको मेरी बात समझ में आई हो? ठीक है, क्योंकि ये होल है, इसमें से लाइट जब आएगी तो इतना बड़ा स्पॉट बनेगा, तो बी का साइज बताना है, और बी की कम से कम वैल्यू जो होगी वो क्या कंडीशन आएगी उसके लिए। इसमें एल ये है, और इसका वेव लेंथ जो दिया है वो वेव लेंथ लैम्डा दे रखा है, राइट। अब आप पीछे पढ़ चुके हो डिफ्रेक्शन में कि जो मेन इमेज बनती है, जैसे कल मैं रिजोल्विंग पावर भी आपको बता रहा था, तो वहां बहुत अच्छे से समझाया था, आपको वीडियो वो देखने चाहिए, क्योंकि इतना डिटेल में कहीं मिल नहीं सकता आपको कंटेंट। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो मेन इमेज बनती है वो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, जो कि एक डिस्क टाइप की इमेज बनेगी, और उसके चारों ओर फिर कॉन्सेंट्रिक रिंग होती है। तो ये स्पॉट से जो लाइट आ रही है, तो मेन यहाँ पे जो स्पॉट बनेगा, ये एक तरह से आप इसको सेंट्रल मैक्सिमा नाम दे सकते हो, सेंट्रल मैक्सिमा। बट ये सेंट्रल मैक्सिमा जो है, उसमें ये साइज जो होल का है, जिसे आप ज्योमेट्रिकल स्प्रेड मान सकते हो, और ये स्प्रेड ड्यू टू डिफ्रेक्शन इसको कह सकते हो। हालांकि ये ज्योमेट्रिकल स्प्रेड तो नहीं लग रहा है, ये होल के साइज का है, बट उसने क्वेश्चन में जो लैंग्वेज यूज किया उसका इंटरप्रिटेशन आपको ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे कई बार क्या होता है, सिचुएशन ऐसी होती है कि कुछ चीजें कॉमन सेंस आपको लगाना होता है। मैंने कितनी बार आपको पीछे जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें मैंने आपको समझाया है, फिर मैं एक बार रिमाइंड कराऊंगा। जैसे कई बार मैं एक इंसिडेंट बताऊंगा यहाँ पे, जैसे कि कई बार क्वेश्चन में सिलेंडर लिखा हुआ आ गया, रोटेशन का क्वेश्चन है, रोलिंग हो रही है, तो सिलेंडर जब बताया ना हो तो कैसा सिलेंडर मानेंगे? मैंने बताया था सॉलिड सिलेंडर मान के सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा, लिखा नहीं हो तो। अब उसमें मेरे से कोई बहस नहीं कर सकता भाई, क्वेश्चन देने वाले ने दे दिया, अब उसने नहीं लिखा तो उसमें मैं या आप क्या कर सकते हो, राइट? तो उसमें जब लिखा ना हो, सिलेंडर अगर लिखा हुआ है तो सॉलिड सिलेंडर मान के सॉल्व करना है, ठीक है। इसी तरह से कहीं स्फीयर लिखा हुआ आ जाए, वहां समझ में नहीं आ रहा है कैसा है, तो फिर कैसा होगा? वो सॉलिड सिलेंडर होगा। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो शीट होती है, चार्ज शीट, तो उसमें अगर चार्ज शीट लिखा हुआ आ जाए, और वहां आप जानते हैं कि दो तरह की होती है, एक कंडक्टिंग एक नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और नॉन कंडक्टिंग होती है तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अब दिया ना हो तो आपको फिर नॉन कंडक्टिंग मान के चलना है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये हालांकि थोड़ा अलग चीजें हैं, पर मैं बता रहा हूँ आपको। तो कई बार क्या होता है, कुछ चीजें स्टैंडर्ड है, उनको वैसे ही फॉलो करना है। अब थोड़े दिन पहले इसी चैप्टर में मैंने आपको कॉन्वेक्स मिरर को लेकर एक बात बताई थी, और मैंने कहा था ज्यादातर किताबों में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म, और उसका आंसर दिया होता है वर्चुअल इमेज। लेकिन आपको याद होगा मैंने कहा था ये केवल रियल ऑब्जेक्ट के लिए ट्रू है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए ट्रू है, आपको बता चुका हूँ, आप पीछे वीडियो देखो, और मैंने ग्राफ से भी समझाया, वैसे करके भी दिखाया था कि ये रियल इमेज भी बना सकता है। तो ज्यादातर बच्चे क्या ऐसे क्वेश्चन को, खासकर मेडिकल वाले बच्चे हुए या जिनकी प्रिपरेशन कम होती है, वो ऐसे क्वेश्चन को रट लेते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाते। बट मैंने आपको डीप में बताया था, और मैंने ये भी कहा था कि रियल इमेज भी बना सकता है, लेकिन कब बनाता है? जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल और फोकस और पोल के बीच में हो, याद करो, पीछे जाके देख सकते हो वीडियो में। तो लेकिन क्वेश्चन आते हैं अक्सर, अब बच्चा फिर पजल, जैसे कल एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन भेजा, तो उसमें कुछ इसी तरह का था कि एक कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म, और उसमें ऑप्शन थे फॉर्म द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर मस्ट बी रियल, मे बी रियल, मस्ट बी वर्चुअल, ऐसे कुछ करके मे बी वर्चुअल, ऐसे कुछ ऑप्शन थे, मस्ट बी डिमिनिश्ड। अब वो फिर मुझे क्वेश्चन बैक करता है, ये चार ऑप्शन दे रखे थे, उनमें कुछ ए और बी करेक्ट है, बी और सी करेक्ट है, सी और डी करेक्ट है, ऐसे मुझे मैसेज किया कि सर इसमें हम क्या माने, रियल माने कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट माने। तो अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके पास चॉइस नहीं होती, बस चॉइस होती तो वही चार होती है, तो उनमें से चार आपको बेस्ट चुनना होता है। तो आपके सामने भी कभी कोई क्वेश्चन आए इस तरह का, और जब वहां हो तो आपको फिर मुझसे आर्ग्यू नहीं, मैंने जो आपको नॉलेज थी वो दे दी, मानना ना मानना आपकी चॉइस है, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप उनको झुटला नहीं सकते, ठीक है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। कोई मैंने अपना नहीं बनाया, मैंने तो करके दिखाया, उसकी डीप में आप वैल्यू रखो, आपको रियल इमेज मिल रही है, सामने मिल रही है। लेकिन जब क्वेश्चन में दिया ही नहीं तो हम क्या करें, हमको उन चार में से ही तो चुनना होगा। तो अब जैसे लिखा हुआ है कि द इमेज फाउंड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर, अब उसमें ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन तो होना चाहिए कॉन्वेक्स मिरर। अब ज्यादातर किताबों में देखा, और मुझे हैरानी होती है कि इस तरह के सवाल क्यों दिए जाते हैं किताबों में, क्यों नहीं उनको करेक्ट किया जाता, या तो उनको काटा जाए या उनमें करेक्शन किया जाए। अब वो कोई भीड़ चाल है, एक किताब में छापा, वहां से कॉपी पेस्ट करके दूसरे में कर दिया, दूसरे में से तीसरे में कर दिया, अब नहीं कर रहे तो उसमें कोई क्या कर सकता है, हमको ये तो है नहीं कि भैया उसको जाके किताब वाले को जाके केस कर देंगे। लेकिन मैंने बता दिया कि रियल इमेज भी फॉर्म करता है, अब नहीं दिया वहां पे तो कोई क्या करे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको आंसर जो करना है वो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज वाला ऑप्शन फिर टिक कर देना है। जब नहीं दिया है तो फिर कोई क्या करेगा, जो आपको चार दिन चॉइस नहीं है ना वहां पे। एक होता है सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, उसमें आप लिख के आओ ना, आप अपनी नॉलेज शो करिए, लिख के आओ, और कोई चैलेंज से कह सकते हो आपके, कोई आपको आपके उसको कॉन्सेप्ट को चैलेंज नहीं कर सकता। अगर वहां लिखा हुआ आता है कि रियल ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी होती है, तो पक्का वर्चुअल होती है। लेकिन अगर लिखा है कि एक कॉन्वेक्स मिरर में फॉर्म, तो वो रियल भी सही है, वर्चुअल भी सही है, बट ऑप्शन ही नहीं है वर्चुअल का वहां पे, तो फिर वहां आपको या रियल का ऑप्शन ही नहीं है, तो वर्चुअल ही टिक करना है फिर। यानी रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल बनती है, तो उस सिचुएशन को कंसीडर कर सकते हैं जब चॉइस ही ना हो। तो यही चीज मैं बता रहा हूँ कि अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में भी हमको जैसा बताया है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। वर्ड तो यूज किया ज्योमेट्रिकल स्प्रेड, तो ज्योमेट्रिकल स्प्रेड बच्चे के माइंड में आता है कि ये ज्योमेट्रिकल स्प्रेड कैसे हो सकता है, ये तो होल के साइज का हो गया, और फिर ये डिफ्रेक्शन की वजह से हुआ, ये तो चलो समझ में भी आ रहा है, बट जो दिया है उस लैंग्वेज को आप इसी तरह से इंटरप्रेट करेंगे तब आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है, तो यू हैव टू डील विद द सिचुएशन, और उसमें जो बेस्ट रिजल्ट आ सकता है या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है या बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है, जो चार दिए होते हैं
तो उनमें से आपको आंसर करना चाहिए, ना कि बेस्ट पॉसिबल आंसर। ऐसा कई बार होगा आपके सामने, तो वहां पे आपको क्या करना है, बेस्ट देना है। बेस्ट करे अगर उसमें कुछ बोनस मिलेगा तो भी आपको नंबर मिलेंगे, और बोनस नहीं मिलेगा तो आपका तो सही होना ही होना है। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो अब चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, तो बी की वैल्यू निकालेंगे। मैं आपको बता रहा था कि ये सेंट्रल मैक्सिमा जैसा आप मान सकते हैं, और सेंट्रल मैक्सिमा में ये फर्स्ट मिनिमा और ये फर्स्ट मिनिमा, इन्हीं के बीच में सेंट्रल मैक्सिमा होता था। तो अब इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको ये फर्स्ट मिनिमा की लोकेशन अगर याद आ रही हो तो, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, एक क्लास पहले मैंने पढ़ाया था, ठीक है। ये जो थीटा है, थीटा की वैल्यू आपको याद आ रहा हो तो ए साइन थीटा था, और थीटा छोटा है तो ये ए साइन थीटा इक्वल टू लेमडा, तो यहां से थीटा इक्वल टू लेमडा बाई ए, ये किया था, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे जब बी हम निकालेंगे, अच्छा इसमें भी ये तो थीटा की वैल्यू आई लेमडा बाई ए। अगर मैं इसे एक्स कह रहा हूं, ये एक्स, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू तो आप लिख ही सकते हैं। ये देखिए ये डिस्टेंस क्या है, ये एल है, ये एल दिया है, ये एक्स है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कल बताया था टेन थीटा करके, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एक्स अपॉन एल, तो ये आ जाएगा एक्स एल थीटा। तो बी का साइज जो आ जाएगा, बी क्लियरली आप देख सकते हैं ए प्लस एक्स यानी ए प्लस एल थीटा, ठीक है, ए प्लस एल थीटा, थीटा की वैल्यू यहां से रख देते हैं, तो ये ए प्लस एल लेमडा बाई ए, ये बी का साइज आ गया, ठीक है। लेकिन आप आंसर देखेंगे तो ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमको बी का मिनिमम वैल्यू बताना है, तो ये तो मिनिमम नहीं, अभी जनरल निकाला है। तो अब ये डिपेंड करेगा ये ए पर कि होल का साइज क्या होना चाहिए, क्योंकि उसने दो बातें पूछी है, एक तो बी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, और बी की मिनिमम वैल्यू के लिए कंडीशन क्या होगी। आपको मैं एक बार और क्वेश्चन दिखाता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि होता क्या है किताब में सॉल्यूशन तो ढूंढ लेते हैं, फिर सॉल्यूशन में डाउट आते हैं, फिर आते हैं टीचर के पास, सर ये समझ में नहीं आया क्वेश्चन, इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब एक बार देखिए इसमें बी मिनिमम और ए पे कंडीशन पूछिए, तो अब मिनिमम और मैक्सिमम के लिए आपको पता है, मिनिमम मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। अब देखिए मिनिमम मैक्सिमम या मैथमेटिक्स का पार्ट किसी बच्चे का अगर वीक हो तो आज शाम को 6 से 7 मेरी क्लास होती है, 6 से 7 शाम को, उसमें मैथमेटिक्स वाला पार्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को देखने का मन हो, आप आके पढ़ना हो, पढ़ने आ सकते हैं, या मेरे वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी मैथमेटिक्स के, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, मैथमेटिक्स के ग्राफ्स वगैरह हैं, हर चीज़ वहाँ पे है, एवरीथिंग, और जितना डिटेल में डीप में मैथमेटिक्स के जो ट्रिक्स मैं बताता हूँ वो आपको नहीं मिलेंगे, किताबों से पढ़ के नहीं मिलेगा। वैक्टर के भी आपके कहने पर, सिग्निफिकेंट डिजिट एरर के वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, पर मुझे लगा बिल्कुल जीरो रेस्पॉन्स आप लोगों का, खासकर ऑफलाइन क्लास जब चल रही थी तो मैंने आप लोगों को बोला भी था कि सिग्निफिकेंट डिजिट हुए, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, ये टॉपिक आप लोगों के कहने पर मैंने उस समय नहीं पढ़ाए थे। अब कोई बच्चा ये कहेगा सर आज कोर्स आपने कंप्लीट कर दिया कहने को, लेकिन हमारा वो तो रह गया सिग्निफिकेंट डिजिट, आप लोगों के कहने पर तो यार वो छोड़े थे टॉपिक जब ऑफलाइन चल रहा था, और कहने पर ही मैंने फिर वीडियो अपलोड किए थे, फिर भी मैंने देखा उसमें मुश्किल से कुछ ही व्यूज हैं, मुझे लगा कि आप लोगों ने नहीं देखे। तो मेडिकल हो या IIT हो, सिग्निफिकेंट डिजिट, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, ये टॉपिक आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मुझे लगता है जितना स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स जिस डीप में डिटेल में मैंने पढ़ाया आपको नहीं मिलेगा कंटेंट, क्योंकि मैंने बहुत उस पर काम किया है, काम करने का मतलब थ्योरी पे मैंने बहुत वर्कआउट किया, डिफरेंट सोर्सेज से क्वेश्चन पिक किए, जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने किए हैं, कराए हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे। हर तरह के क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं, पेशेंस से आपको उनको देखना होगा, आधा घंटे 20 मिनट 25 मिनट के वीडियो पड़े हुए, कोई कल आज मैं क्योंकि कोर्स खत्म करने जा रहा हूँ तो कल कोई आप में से, क्योंकि अपने एक्सक्यूजेज अपनी कमियां बच्चा नहीं देखता है, बाद में सारा अनसक्सेसफुल उसके लिए टीचर को ब्लेम करता है कि सर ने ये छोड़ दिया, जैसे कि मालूम पड़ा कि पूरे 45 क्वेश्चन या आपके पूरे पेपर में डायमेंशन ही आया था, अब डायमेंशन बच्चों ने मना किया था, हालांकि सारे वीडियो पढ़े, वेक्टर के वीडियो पढ़े, आपको वेक्टर पढ़ना होता तो अभी मैंने बीच में भी कहा था एक बैच में चल रहा था वही 6 से 7 वाले में, उसमें खत्म होगा आज, 10 मिनट का बचा है, उसमें आज से मैथमेटिक्स स्टार्ट होगा। अगर किसी को लगता है कि मैथमेटिक्स मुझे पढ़ना है, वैसे जरूरत भी नहीं है, आपके पास जब कंफर्टेबल टाइम हो, उसी वजह से मैंने वो वीडियो अपलोड किए थे, तो मैथमेटिक्स के वीडियो पड़े हुए आप वहां भी देख सकते हैं जब आपको टाइम मिले, क्योंकि अभी घर पे हैं तो किसी भी टाइम आप देख सकते हैं, और अगर लाइव करना है तो आपको मैंने टाइम बता दिया, लिंक आपके पास है, 6 से 7 बजे का टाइम है, डेली क्लास होती है 6 to 7, उसमें आज शुरू होगा,
अगर आपको लाइव आना हो आप आ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर वो वीडियो पढ़े, एरर के भी पड़े हुए हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट के पड़े हैं, वर्नियर कैलिपर्स के पड़े हैं। तो कोई अब ये कहे तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, क्योंकि इतने साल महीनों से आप मुझसे जुड़े हुए हैं, जब से कोर्स स्टार्ट हुआ था ऑफलाइन में, आप लोगों ने बीच में कई बच्चे जो सिंसियर थे उन्होंने कहा भी था कि सर वो वीडियो डाल दो, वीडियो डाल दो। फिर मैंने टाइम निकाल के, क्योंकि उस समय थोड़ा सा काफ़ी हैक्टिक शेड्यूल रहता था, फिर घर पे आके वो मैंने अपलोड किए, क्योंकि मुझे कोई यूट्यूब पे वीडियो डालने का कोई शौक तो है नहीं, वो सब आप लोगों की वजह से ही मैं डाल देता हूँ। कोई ऐसा भी नहीं कि मुझे कोई चैनल हिट करना हो अपना, ना वो मेरा पर्पज है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू, आपकी सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए वो अपलोड कर देता हूँ। आप में से अभी भी क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं जो मैं देख रहा हूँ लाइव क्लास में नहीं आते, तो वो कहीं वीडियो वगैरह देख ही लेते होंगे, जाहिर सी बात है, और फिर टेस्ट वगैरह भी नहीं दे रहे हो आप मुझे। टेस्ट दिया करो भाई, टेस्ट देने से फ़ायदा होता है, आपके लिए बना रहा हूँ एप्लीकेशन, आपके लिए ली, वो एप्लीकेशन भी इसीलिए ली जिससे कम से कम आपको लाइव देने का, नहीं तो क्या पीडीएफ भेज दिया, जब मन करे रात को 11 बजे मन हुआ पेपर बैठ के देने, ये कोई तरीका थोड़ी होता है यार, टाइम बाउंड होके दो, तैयारी तो कभी होती ही नहीं है, ठीक है। आप अपने दिल से पूछो कि वाकई में कभी तैयारी होती है कभी नहीं होती, और क्या हो जाएगी क्या 2 महीने में, नहीं हो सकती। सो यू हैव टू फेस इट, यू हैव टू फेस इट। जो बच्चे ये कर रहे हैं ना वो आपके लिए ठीक नहीं है, मतलब मुझे इन नो वे इट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट मी, बेनिफिट मेरा बस ये है कि कल आप सेलेक्ट हो गए तो मेरा भी नाम होगा, मुझे भी एक बूस्ट मिलेगा सिटी में, आगरा में, मुझे भी लोग थोड़ा सा कहेंगे यार अच्छा पढ़ाया था, और इसमें तो मैं कह ही सकता हूँ यार मेहनत की है, ईमानदारी से आप लोगों के साथ बिल्कुल जुड़े रहे, और आज उसी का रिजल्ट है कि टाइम से सिलेबस कंप्लीट कर दिया। अभी मैं कुछ बच्चों से पूछ भी रहा था कई कोचिंग में, बायो का, केमिस्ट्री का, या कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स का, मैथ्स का या फिजिक्स का, कहीं पढ़ते हैं कोई ना कहीं टच में है बच्चे, तो बता रहे हैं वो कोर्स ही नहीं हुआ, और आप मेरे साथ तो देख ही चुके हो कि पूरा 1 महीने बीच में क्लास ऑफ रही, मैं बीमार हुआ, मदर फिर मेरी एक्सपायर हो गई थी, तो पूरे 1 महीने क्लास नहीं हुई, और डिस्पाइट ऑल दिस कंटिन्यूटी हमने नहीं छोड़ी, कंटिन्यूटी नहीं छोड़ी, लगातार क्लास होती रही, और ये भी कोर्स और जल्दी करा देता आपका, बाकी तो जो पुराने बच्चे थे, आप कुछ बच्चे आ रहे हो, बाकी मोस्टली बच्चों का हो चुका था कि वो पहले से जुड़े हुए थे, उन्होंने लाइट भी पढ़ा हुआ था, मॉडर्न वगैरह पहले हो ही चुका है, सारी चीज़ें हो ही चुकी हैं, तो वो डिसकंटिन्यू कर दिए। दूसरा क्या है कि वीडियो अपलोड कर देते कुछ बच्चे, फिर अपना भी क्या है, सुबह सोते हैं आराम से 9-10 बजे, जब मन होगा तब जगेंगे फिर पढ़ेंगे, रात को लेट तक पढ़ते हैं, वीडियो देख लिया जब, बट मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, आपको एक डिसिप्लिन, जब मैं सुबह, हालांकि कोई बहुत जल्दी टाइम भी नहीं होता यार, 8-8:30 बजे क्लास तो कर ही सकते हैं सब, है ना। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि पढ़िए, मेहनत करिए, ये टाइम ऐसा है, और इसमें टेस्ट जरूर कीजिए। अब 11th का बच्चा हो, 12th का बच्चा हो, चलो थोड़ा सा नेगलेक्ट करेगा, ठीक है कोई बात नहीं, जैसे अभी मेरे पास एक दो बच्चे आए, कहीं दूसरी जगह पढ़ते थे 11th में, सब चौपट हो गया, 12th में भी अच्छा नहीं चल रहा था, वहां से छोड़ के यहाँ आए, बोले अच्छा लग रहा है सर, यहीं आपसे कंटिन्यू करना है। तो अब मेरे कहने का मतलब ये है कि 11th में चलो लॉस हो गया बच्चे का, मैंने कहा भी मेरी भाई 11th के बैच में तुम कंटिन्यू करो, 12th में भी कंटिन्यू करो, तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, बच्चे को कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, तो उसके पास टाइम है, उसके पास टाइम है कि अभी चलो मैं 11th का भी कर सकता हूँ, 12th का भी कर सकता हूँ। मुझे लगता है आपके पास टाइम नहीं है, ऑलरेडी आप 1-2-3 साल दे चुके हो प्रिपरेशन को, 1-2-3 साल बच्चा 11-12th में तैयारी करता है, उसके बावजूद भी अगर आपको ये लगता है कि प्रिपरेशन नहीं है, तो मुझे लगता है कभी हो भी नहीं सकती, मतलब इन जनरल कह रहा हूँ मैं आपको, हिंट पिंच नहीं कर रहा हूँ मैं, और पिंच कर भी रहा हूँ तो ठीक है, अच्छे के लिए कर रहा हूँ, पिंच करने का मतलब सो रहे हो जगा रहा हूँ मैं, उसको अदरवाइज नहीं लेना है, सो रहे हो जगा रहा हूँ, और जागना जरूरी है, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे, ठीक है। क्योंकि अभी अगर मान के चलिए 1 अगस्त को एग्जाम होता है नीट का, अभी जेई का तो 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, ठीक है, बाकी 2 का भी वो भी डिसाइडेड नहीं हो सकता, जुलाई के एंड में हो सकते हैं वो भी 2 अटेम्प्ट। 1 अगस्त को अभी डाउट आने लगा है कि क्वेश्चन मार्क, 1 अगस्त को नीट का एग्जाम होगा भी कि नहीं होगा, पक्का नहीं कह सकते 1 अगस्त को, क्योंकि अभी तो फॉर्म ही नहीं आए, बट आप तो ये मान के चलो ना कि 1 अगस्त को, मेरा तो आज कोर्स खत्म हो रहा है, तो आपके पास कम से कम लगभग 40 दिन तो है ही, अप्रोक्स 40 दिन मान लो, लगभग इधर 7-8 दिन इधर मिल जाएंगे, 8-9 दिन के करीब, आज 22nd है, और 30 दिन के करीब उधर मिल जाएंगे आपको, जुलाई में 31 दिन, तो करीब करीब 40 दिन का टाइम है, और 40 दिन में आप चाहो तो अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, जो टेस्ट भी कराएं, आप देखिए कितना अच्छे से हमने उसको प्लान किया, सेमी मेजर करके हमने बनाए, यूनिट वाइज बना दिए, वो इसीलिए कि आप पीछे का जो है वो यूनिट वाइज रिवाइज करते रहो। अब अगला जो संडे को टेस्ट है ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स का है, और फिर उसके बाद फुल लेंथ के सारे टेस्ट है, तो रिविजन के लिए सफिशियंट आपको टाइम भी दिया, और किस तरह से आप अपने प्लान कर सकते थे उसी तरह से जैसे टेस्ट है,
इसके अलावा बाकी भी कोचिंग वगैरह में दे रहे होंगे, करीब करीब उनका शेड्यूल और हमारा शेड्यूल सेम था। पर्पज हमारा था ही नहीं कि आपका शेड्यूल डिस्टर्ब किया जाए। टेस्ट भी मंडे को रखा कि संडे को किस कोचिंग के होते हैं तो आपके क्लैश ना करें, तो आपको टेस्ट देना चाहिए मुझे लग रहा है। और देखिए सच बताऊं, आप भाग नहीं सकते, सच्चाई आपको फेस करनी पड़ेगी, और आज नहीं तो कल नीट के एग्जाम में जाओगे, पहली बॉल पे बोल्ड हो जाओगे। बुरा लग रहा होगा लेकिन ये सच है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये मान लो कोई भी लाइफ में कोई भी गोल आपको अचीव करना है तो उसके लिए प्रैक्टिस तो जरूरी है। एक क्रिकेटर भी क्रिकेट मैच खेलता है, उससे पहले घंटों मैदान में पसीना बहाता है, प्रैक्टिस नेट प्रैक्टिस करता है। क्यों करता है? कि हर तरह की बॉल को वो फेस कर सके। यॉर्कर आएगा, गुगली आएगा, स्पिन आएगा, ठीक है, बाउंसर आएगा, कैसा आएगा, हर तरह की बॉल वो सामने जो बॉलर होता है प्रैक्टिस कराता है, वो उसको बोलता है भाई ऐसी बॉल फेंको। सचिन तेंदुलकर जाने कितनी बार कुछ खास तरह की बॉल पे आउट होता था, जब बड़े बड़े आप क्रिकेट देखते हो इसलिए क्रिकेट का एग्जांपल दे रहा हूं, तो क्या होता था, घंटों घंटों 15-15 घंटे मैंने जो पढ़ा उसके बारे में, तभी महान क्रिकेटर बना। घंटों घंटों प्रैक्टिस करता था कि भाई इस तरह की बॉल में आउट हो जाता हूं, कैच चला जाता है, ये ज्यादा टर्मिनोलॉजी तो नहीं पता, तो उस तरह की बॉल के लिए नया। या आप देखो एक हेलीकॉप्टर शॉट था महेंद्र सिंह धोनी का ऐसे करके, वो आपने देखा वो बड़ा फेमस, तो इस तरह की बॉल फेमस करने के लिए उसने अपना एक अलग टेक्निक ही निकाल ली। आपको भी वही करना है, प्रैक्टिस तो जरूरी है भाई। और ये क्या है, टेस्ट प्रैक्टिस ही तो है, आप इससे भाग क्यों रहे मुझे नहीं समझ में आता। इसलिए कि आपके मार्क्स कम आएंगे, मार्क्स कम आएंगे इससे भाग रहे हो क्या? आप टेस्ट नहीं दोगे तो मार्क्स बढ़ जाएंगे क्या? मुझे नहीं लगता टेस्ट न देने से मार्क्स बढ़ जाएंगे। या आपको ये लग रहा है कि मेरे मार्क्स कम आएंगे, वो लिस्ट में मेरा नाम मेरे साथ के लोग देखेंगे तो क्या होगा? साथ के लोग तो बाद में भी देखेंगे ना, जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो तब और बुरा पड़ेगा। यू हैव टू फेस इट, यू हैव टू फेस इट, उसको फेस करिए। एग्जाम जो टेस्ट होते हैं उनको स्किप मत करिए, और ये सब टेम्परेरी है। आप सोचिए कि आप टेस्ट दे रहे हैं, आपके जैसे जाने कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे पढ़ते थे, उनमें से कितने टेस्ट देते हैं? आप उनमें से हो जो टेस्ट दे रहे हैं, और बाकी तो स्किप कर रहा है, उनको क्या समझाना। तो टेस्ट आपको देने चाहिए, वो आपको बेनिफिट होगा, मुझे नहीं लग रहा। और देखिए टेस्ट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल बाउंड्री पे हैं, वो फोन कर करके उन्होंने कहा कि सर आप भी टेस्ट शुरू करो, आप भी करो सर, हम उसका भी कोचिंग का दे रहे हैं, आपका भी टेस्ट देंगे। उनको डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ बच्चे एनटीए के अभ्यास वाले उससे कर रहे हैं, डेली उनके डाउट 2-4 डाउट मुझे भेजते रहते हैं। तो जिस बच्चे को रैंक अच्छी क्रैक करनी है वो कर रहा है। और यकीन मानिए आप दुनिया की परवाह मत करिए, दुनिया तो आप पे हमेशा क्वेश्चन मार्क उठाएगी, आपकी एबिलिटी पे हमेशा शक करेगी। और सोसाइटी में मैं कह रहा हूँ 95% लोग ऐसे होंगे, 95% लोग ऐसे होंगे जो आपकी लैग पुलिंग करेंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे। ऐसे लोगों की क्यों परवाह करते हो? किसकी परवाह करते हो भाई? परवाह करो अपने पेरेंट्स की, परवाह करो अपने रिलेटिव्स की, जो क्लोज रिलेटिव में भाई बहन, जो आपकी सफलता से, मैं दूर के रिश्तेदारों को भी नहीं कह रहा हूँ, वो भी आपसे जेलस होंगे अगर सक्सेसफुल हो जाओगे आप। परवाह करो अगर मेरी, करो मेरी मेहनत की करो, क्योंकि मैं आपकी सफलता को लेके कंसर्न हूँ। आपके पेरेंट्स सबसे ज्यादा है, उनके बारे में सोचो। 5% लोग ऐसे हैं जो आपके के लिए वाकई केयर करते हैं, आपकी फिक्र करते हैं, बाकी 95% जो जिनके बारे में आप सोचते हो ना कि टेस्ट में नंबर कम आएंगे, वो क्या कहेगा, मेरा दोस्त क्या कहेगा, अरे क्यों परवाह करते हो यार? किसके बारे में सोचते हो? और क्या फर्क पड़ने वाला है इन लोगों से? क्या आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस रखते हैं? बिल्कुल भी नहीं, सॉरी टू से दिस, लेकिन ऐसे लोगों का कोई केयर करने की जरूरत नहीं। आप अपने बारे में सोचिए, जमाने की परवाह नहीं करनी चाहिए। जमाने की परवाह करोगे तो जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाओगे, अरे ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ऐसे बिल्कुल थॉट आने नहीं चाहिए। आप अपने बारे में सोचो, आंख बंद कर लो, जमाना क्या कर रहा है, बस अपना काम करते रहो, ठीक है, बिल्कुल शांत रहो। लेट द सक्सेस अलोन स्पीक फॉर यू, लेट योर वर्क अलोन स्पीक फॉर यू, आपका काम आपकी सफलता को बोलने दो, खुश शांत रहो, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है, समझाने का काम था वो आपके लिए। अब ऐसा तो है नहीं ज्यादा बच्चे टेस्ट देंगे तो मुझे कोई बेनिफिट हो जाएगा, मेरे लिए तो आप 10 बच्चे टेस्ट दोगे तो, 100 बच्चे दोगे तो, 1000 दोगे तो, मैंने तो वो एप्लीकेशन दे दी, उसमें ज्यादा बच्चे एनरोल करने से कोई मुझे ऐसा फायदा तो होने नहीं जा रहा है, क्योंकि वो टेस्ट सब आपके लिए फ्री है, ठीक है। तो बट होता ही है कि आप में से कई बच्चे कैपेबल हैं, अच्छा पोटेंशियल है, और इसीलिए मैं समझा रहा हूँ। और अभी बीच में हम लोग प्लान भी कर रहे हैं 2-4 दिन में, इस वीक में, कि आपके साथ एक फेस टू फेस एक मीटिंग कर ली जाए। हो सकता है कई बच्चे कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, शायद हो सकता है आप हमसे कुछ बात शेयर न कर पा रहे, हो सकता है फेस टू फेस आप कह पाए, और जरूरी भी है मेरे ख्याल से बीच में एक इस तरह की मीटिंग वगैरह जरूरी भी है, कि हो सकता है कहीं डीमोटिवेशन बच्चे में आता है तो
टीचर से शेयर कर सकता है और करना भी चाहिए। मेरे ख्याल से इसमें कोई शर्माने की झिझक वाली कोई बात नहीं है, आपको फ्रेंकली बात करनी चाहिए टीचर से, मुझे ऐसा लगता है। टीचर से भी बात करनी चाहिए, अब कोई दिक्कत आ रही है तो अपने पेरेंट्स से भी बात करनी चाहिए अगर लगता है, क्योंकि वो लोग वाकई में आपके टीचर हो गया और एक गार्जियन हो गया, दे आर रियली योर वेल विशर। अब टीचर में मुझे एक साल से लगभग आप जानते हो या कुछ बच्चे और पहले से भी जानते हैं, तो इतना तो आपने जाना होगा कि यार मैं आपके बारे में चिंता करता हूँ, केयर करता हूँ, ठीक है, आपके लिए सोचता हूँ। पेरेंट्स तो नो डाउट सेल्फलेसली, मेरा मैं ये नहीं कहूँगा सेल्फलेसली, लेकिन पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं। और हम ठीक है भाई, आप कह सकते हो सर आपने फीस ली, हर कोई फीस लेके पढ़ा रहा है, फ्री में तो कोई नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वो तो हमारा भी फैमिली, हमें भी देखना है, लेकिन फिर भी स्टिल हमें आपसे लालच ये है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो हमारा भी नाम होगा। और उसी के लिए ये है कि इतनी साल भर आपने मेहनत करी, हमने मेहनत करी, वो बेकार ना चली जाए, इसीलिए पीछे पड़े हुए आपके, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो एक फिल्म का एक उसमें शेर था ना कि मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। तो अब ये पानी कम वाली सिचुएशन आ रही है ना, एग्जाम के क्लोज जा रहे हैं और वहां डीमोटिवेशन आ रहा है, तो ये नहीं करना है, डीमोटिवेशन नहीं करना है, स्टे मोटिवेटेड। और यही तो टाइम है जम के मेहनत करने का, यहां तक आए हो, पूछो पूरी साल भर, यू हैव सेल्ड फॉर द होल ईयर, पूरी साल आपने नाव चलाई मंजिल पे आके और नाव वहां डूब गई किनारे पे, तो ये नहीं करना है, ये करना नहीं है, होने नहीं देना है, किसी भी सूरत में होने नहीं देना है, मोटिवेटेड रहना है, टेस्ट देने हैं, प्रैक्टिस करनी है, जम के मार्क्स कम आते हैं टेंशन नहीं, आने दो, क्या फर्क पड़ता है, अरे इसमें कम आए अगले में फिर बढ़ाने, उसके बाद अगले में फिर बढ़ाने, पांच पांच नंबर बढ़ाओ, केवल इसी फियर से। तो मैं तो पूछ रहा हूं आप तैयारी क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आपको क्या लगता है कि बिना टेस्ट दिए आप वहां पर टॉप कर जाओगे, सेलेक्ट हो जाओगे, बुरा लगेगा लेकिन सच बता रहा हूं, कोई चांस नहीं है, जीरो चांस है सिलेक्शन पे, बुरा लग रहा है लेकिन ये सच है, दवा कड़वी होती है। आपको लग रहा है कि आप बिना टेस्ट दिए, बिना प्रैक्टिस किए नीट के एग्जाम में जाके फोड़ दोगे, सेलेक्ट हो जाओगे, रैंक तो छोड़ो बिल्कुल लोएस्ट रैंक भी नहीं आने की बिना प्रैक्टिस, सच्चाई है, आप जानते हो उस चीज को, मैं नहीं कह रहा हूं, दैट्स ए बिटर रियलिटी, आप भी जानते हो इस चीज को, बट हम क्या करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, सच्चाई से आंखें बंद कर लेते हैं। वो एक मैंने कहीं इंसिडेंट सुना था, कभी देखा नहीं, शुतुरमुर्ग के लिए ऑस्ट्रिच जो होता है उसके बारे में मैंने सुना है, मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन बताते कि जब शिकारी उसका शिकार कर रहा होता है तो वो रेत में अपनी गर्दन छुपा लेता है, रेत में गर्दन छुपा लेता है तो उसको दिखना बंद हो जाता है, उसको क्या लगता है कि अब शिकारी मुझे देख नहीं पाएगा, और शिकारी को वो दिख रहा होता है, शिकार हो जाता है वो, ऐसा मैंने सुना, आपने भी हो सकता है कभी पढ़ा हो। तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ है कि आप जो सच्चाई है उससे आंखें बंद कर रहे हो और आपको क्या लग रहा है वो सच्चाई छुप गई, एग्जाम न देने से आपके मार्क्स नहीं आएंगे तो वो खत्म हो गया, तो कोई फायदा नहीं। आप अपने आप से पूछो, मुझसे नहीं, अपने आप से पूछो, और फिर भी आपको लगता है तो आपको लग रहा है मुझसे बात कर सकते हो, फोन कर सकते हो, आपको लगता है कि सर से बात करके कुछ मोटिवेशन, और इसीलिए मैं पिछले 10 मिनट से ये क्वेश्चन छोड़ के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मोटिवेशन ये टाइम मोटिवेट होने का है। आप देखिए कि आपने एक साल, दो साल, तीन साल जो भी आपने टाइम दिया, क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं जा रहा है, आप टेस्ट से ही भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो भाई, क्यों भाग रहे हो, बताओ उसे मुझे क्या हो जाएगा, और डर किस चीज का, उस डर को तो निकालना है ना आपको, और उसको आप ही जानते हो, मैं नहीं जानता हूं कि आपके अंदर डर क्या है, मैं बता सकता हूं कि इसकी वजह से डर हो सकता है, इसकी वजह से हो सकता है, इसकी वजह से हो सकता है, क्या है, प्रिपरेशन नहीं है, एक कारण ये हो सकता है, आपको डर है कि मेरे मार्क्स कम आएंगे, तो क्या हो गया ये बताओ, और प्रिपरेशन कभी होती है क्या, इवन टॉपर भी होता है वो भी टेस्ट से, एग्जाम से एक दिन पहले वो भी सोचता है कि मैं कुछ और पढ़ लूं, कभी प्रिपरेशन नहीं होगी। प्रिपरेशन का सही तरीका यह है कि सिस्टमेटिकली, जैसे मैंने यूनिट बनाई, यूनिट में आपको दिया तो उन यूनिट पे आपको फोकस करना चाहिए था, अब फुल लेंथ टेस्ट आ रहा है तो अब प्रिपरेशन वैसे नहीं होगी, कोर्स इतना सारा हो गया, अब आपके लिए क्या भैया चैप्टर बाई चैप्टर वहां पे नीट में पेपर होगा, नहीं होगा, तो कब करोगे, और हर साल यही हुआ है, लेकिन वही प्रिपरेशन नहीं थी, आखिर कब तक, या फिर हमारे दोस्त क्या सोचेंगे, कौन से दोस्त की बात कर रहे हो, ऐसा कौन सा दोस्त है जो फ्रेंड आपका अगर सेलेक्ट हुआ है ना, कोई भी अगर एक फ्रेंड आपका सेलेक्ट हुआ है, वो आपसे अगर सच में आपका अच्छा दोस्त होगा तो वो आपको यही कहेगा कि टेस्ट दो, जरूर दो और परवाह मत करो, और जो सेलेक्ट नहीं हुआ है वो आपको, अरे यार छोड़, क्या तैयारी है नहीं, बाद में देंगे, अगली साल देखेंगे, अच्छा इस साल तो कोरोना चल रहा है, पढ़ाई हुई नहीं, ये कोई एक्सक्यूजेस है यार, पिछली साल कोरोना में 2 बच्चे 720 में से 720 मार्क्स लेके आते हैं कोरोना में, और आपका एक्सक्यूज ही नहीं खत्म हो पा रहे, आपके एक्सक्यूज, अरे कोरोना है पढ़ाई नहीं हुई, कौन करेगा पढ़ाई आपकी जगह, मैं करूंगा, पेरेंट्स करेंगे, आपको पढ़ाई करनी है, मुझे नहीं करनी, मैं पढ़ा रहा हूं, पेरेंट्स आपके लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, आपकी हर चीज का ध्यान रखते हैं, घर पे आपको चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, दूध चाहिए, खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट चाहिए, जो डिमांड चाहिए, कपड़े चाहिए, कोई भी चीज चाहिए, बुक चाहिए, फीस देनी है टीचर को,
हर चीज तो फुलफिल कर रहे हैं यार। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो ना, कितनी मुश्किल हालातों में इस कोरोना में कई कई गार्जियन ऐसे भी होते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम कम हो गया या खत्म हो गया, फिर भी आपको महसूस नहीं होने दिया। हम भी घर पे बैठते हैं तो सोचते हैं कोचिंग, और हाँ पूरा 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 वर्ल्ड वाइड इंडिया में हर शहर में कोचिंग स्कूल बुरी तरह से सीवियरली इफेक्ट है, लेकिन क्या हमने पढ़ाना बंद कर दिया? तो जब हमने पढ़ाना बंद नहीं कर दिया तो आपने कैसे पढ़ना बंद कर दिया? और आपका टाइम तो बहुत क्रूशियल है। मेरे पास तो आगे मुझे क्या अचीव करना है, मुझे तो बस ये बच्चे हर साल मेरे आते हैं, हर साल सेलेक्ट हो जाते हैं। लास्ट ईयर भी आप देख रहे हो जेन्युइन रिजल्ट थे, जो भी 20-22 बच्चे जो सेलेक्ट हुए उनका रिजल्ट हमने छापा था। सब बच्चे ऐसे थे जो आपके साथ पढ़े थे, आपने फेस देखे उनके। इस साल भी उम्मीद है कि 2-4 बच्चे जो भी होंगे, मेहनत करने वाले होंगे, वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो सेलेक्ट होते हैं, और जो नहीं पढ़ने वाले वो फिर हर साल लैग करते जाते लैग करते जाते। वही रीजन होता है, तैयारी नहीं थी, तैयारी नहीं थी, तैयारी नहीं थी। और मैं यकीन मानू, अगर इस साल भी तैयारी नहीं है तो गारंटी अगले साल भी नहीं होगी। ये थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है। चलिए आगे आते हैं, मोटिवेट करने का काम है। आप सोचिए, आज सोचिए, आज टाइम है आपके पास, आज आखिरी क्लास है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हो जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास टाइम है। आज सोचिए, एनालाइज करिए, सेल्फ एनालिसिस करिए कि आपका जो प्रिपरेशन है क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, एंड इन व्हाट वे इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू। और सच में क्या आप अपने साथ, मेरी बात को ध्यान रखना, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, साल भर के बाद, ये बात आपको याद रहेगी कि सर ने कहा था, बार बार कहा था, सर को ब्लेम नहीं कर सकते। मेरी तरफ से कोई कमी रह गई आप बताइए? बहुत सारे टीचर ऐसे, फीस ली उसके बाद बैच बंद कर दिया, टेस्ट कराना बंद कर दिया। मैं कितने बता दूं, कितने टीचर बता दूं आपको, आगरा में बता दूं मैं आपको, जिन्होंने फीस ले ली बच्चों से, ठीक है, टेस्ट कराना बंद कर दिया, डाउट बताना बंद कर दिया। आप बताओ आपके डाउट आए हो जब मैंने रिप्लाई नहीं किया हो? रात को 1:30 बजे भी आपके क्वेश्चन के आंसर मैंने किए हैं, और आप इस बात से एग्री करते होंगे, कई बच्चे सुन भी रहे होंगे या बाद में ये वीडियो देखेंगे, रात को 1:30 बजे भी मैंने आपके डाउट भेजे हैं। और 1:30 बजे का मतलब होता है कि मैं सो के डाउट नहीं बताता हूँ, ये तो जाहिर सी बात है, जगा होता हूँ। अब बिलीव नहीं करेंगे, पूरे दिन जब डाउट आते हैं तो मैं पूरा व्हाट्सएप को स्क्रॉल करके देखता हूँ, किसी बच्चे का रह तो नहीं गया। और कई बार कॉपी में उन बच्चों के नाम नोट करता हूँ, किस बच्चे के डाउट आए, क्योंकि क्या पता इतने सारे बच्चों में भूल जाऊं, हो सकता है डिले हो जाता है, वो दैट्स ए डिफरेंट केस। आज ही कोशिश करता हूँ, रात को 1:30 बजे का, और क्या सुबह जग के भी क्लास लेनी होती, कोशिश यही होती है कि डेली के डेली डाउट, इतना कौन करता है बता दो ना मुझे। ये ऑनलाइन कोचिंग चल रही है, 20-20 हज़ार बच्चे पढ़ा रहे हैं, इनमें डाउट हो पाते हैं क्या आप बताइए मुझे? एक एक बैच में 20-20 हज़ार बच्चा पढ़ रहा है, क्या डाउट बता पाते हैं? सवाल ही नहीं है। उनके डाउट सेशन होते हैं पर रैंडम क्वेश्चन ले लिए 4 बच्चे के, बस एक बहाना खाना पूर्ति कर दी, आपने डाउट भेजा और आज तक नहीं बताया। ऐसा हो सकता है कि सुबह भेजा हो, शाम को आंसर आया हो, सुबह आज भेजा, कल आंसर दिया हो, लेकिन कल से परसों नहीं हुआ होगा, क्योंकि मेरे पास भी इतने सारे काम होते हैं, टेस्ट बनाना, प्रूफ रीड करना, अपलोड करवाना, फिर चेक करना, रिजल्ट बनवाना ऑपरेटर से, क्योंकि अभी वो फिजिकली तो आता नहीं, तो सारी चीजें फोन से होती, फिर चेक करना, अपने एड पोस्ट करना, एड बनवाना, असाइनमेंट आपके बनाना, ठीक है, उसके बाद आपके सारे डाउट बताना, क्लास भी चल रही है, आपकी भी होती है और बैचेज की भी क्लास होती है, इन सब के बीच मेरा एकदम टाइट शेड्यूल रहता है, लेकिन कभी भी अपने पार्ट में मैं कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ। और यकीन मानिए, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, अगर आप ईमानदारी से उतनी मेहनत कर लो, मेहनत का मतलब है जो पढ़ाने में, जितना टाइम मैं 5-5.5 घंटे में सोता हूँ, आपको सुन के थोड़ा हैरानी हो रही होगी, लेकिन सच्चाई में कोई तारीफ नहीं कर रहा, मुझे कोई नीट का या जेई का एग्जाम नहीं देना है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जितनी मेहनत मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आप अपने लिए कर लो ना, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। और जो बातें कह रहा हूँ इनमें कोई तारीफ वाली बातें नहीं है, तारीफ करने के लिए नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये चैनल मैंने जो बनाया है, यूट्यूब या वीडियो अपलोड करता हूँ या आपको पढ़ा रहा हूँ, ये किसी इस पर्पज से नहीं कि मुझे कोई पॉपुलर होना है, ना मैं कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चे का भला नहीं होता है, सब वो 1000-2000 में पढ़ा रहे हैं, 999 रुपये में पढ़ा रहे हैं, हजारों की तादाद में 10-10 हज़ार 20 हज़ार बच्चे पढ़ा के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, दिखाने के लिए कह रहे हैं कि हम इतना सस्ता पढ़ा रहे हैं, गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि मुझे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रास नहीं आता, क्योंकि उसके 1000 रुपये भी आपने अगर लिए हैं तो वो गलत लिए हैं, उस बच्चे को आपने टाइम ही नहीं दिया, ये सच्चाई है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन को कभी रिप्लेस करने वाला नहीं है, इसीलिए मैं ऑफलाइन मोड में ही रहने जा रहा हूँ। मुझे ऑनलाइन का होता, मैं यहाँ पे डिजिटल बोर्ड मैं नहीं खरीद सकता हूँ क्या? बिल्कुल, लेकिन यहाँ नहीं नजर आएगा आपको, अभी ऑफलाइन शुरू होने दो, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आने वाले टाइम में आप मेरी ऑफलाइन क्लास में डिजिटल बोर्ड देखोगे, बोर्ड भी शानदार होगा, ऐसा नहीं, आपने मेरी क्लासरूम देखी होगी, हर चीज पे मैं पैसा खर्च करता हूँ, यहाँ नहीं, क्योंकि ये टेम्परेरी है, हो सकता है 1 जुलाई से, हो सकता है 8 जुलाई से, हो सकता है 10 जुलाई से, 15 जुलाई से, कभी ना कभी तो खुलेगा, आप मेरी कोचिंग में डिजिटल बोर्ड देखो, पढ़ाऊंगा, बट वो ऑनलाइन मोड में नहीं।
और हर फैसिलिटी इंडिविजुअल लेवल पे जो हो सकती है आपके लिए मैं कर रहा हूँ, टेस्ट से लेके ऑनलाइन एक बता दो जो इंडिविजुअल में कोई टीचर पढ़ा रहा हो और वो इंडिविजुअल में आपका ऑनलाइन इस तरह से टाइम बाउंड टेस्ट दे रहा हो, कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स कोई भी व्हाटएवर, कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कोचिंग वाले इतना उनके पास कंबाइंड एफर्ट्स हैं, कंबाइंड रिसोर्सेज हैं, कंबाइंड पैसा खर्च कर रहे हैं, मैं अकेला कर रहा हूँ तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एनीवे ये आ गया, अब हमें क्या करना है मैं आपको बता रहा था, चलिए बाकी आपकी समझ है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे ए के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आंसर ये दिया था तो समझा दिया है, आप सोचिए कि आपकी प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में है कि नहीं, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके जीरो कर देंगे मैक्सिमम मिनिमम, आज शाम को 6 से 7 अगर मैथ्स की क्लास किसी को करने का मन हो कर सकते हो, और मत करो वीडियो अपलोडेड है वहां जाके भी देख सकते हो, वही सारी चीजें हैं, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो है 20-25 मिनट के, वहां भी देख सकते हो। तो डिफरेंशिएट करेंगे ये आ जाएगा आपका 1 और 1 अपॉन ए है ये एल लैम्डा और ये ए स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू जीरो कर दो, तो यहां से इक्वल टू जीरो करेंगे तो ए की वैल्यू अंडर रूट एल लैम्डा आ गई, ये तो ए की वैल्यू आई, तो आप देखिए ए की वैल्यू अंडर रूट एल लैम्डा वाले ऑप्शन मुझे इसमें 2 नजर आ रहे हैं बी और सी, और वापस इस वैल्यू को इसमें हम रख देंगे तो बी मिनिमम आ जाएगा, मिनिमम मैक्सिमा के लिए एक बार डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो तो वो वैल्यू मिली जाती है, हालांकि इसका डबल डिफरेंशिएशन भी करना होता है अगर मैक्सिमा मिनिमम में कंफ्यूजन हो तो, बट क्योंकि क्वेश्चन में मिनिमा डिमांड कर रहा है वैल्यू हमें एक ही मिली है, तो मैंने आपको जो मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ तब भी बताया होगा, हो सकता है आपने देखा हो, तो सिंगल वैल्यू मिली है तो वो मिनिमा ही मिलेगा, अगर दो मिलती है तो फिर उसमें डबल डिफरेंशिएट करके फिर चेक करना पड़ता है किस पे मैक्सिमा है किस पे मिनिमा है, ठीक है। सो अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे एक ही रख देता हूँ अंडर रूट एल लैम्डा, स्क्रीन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है एल लैम्डा और ये आ जाएगा फिर आपका एल लैम्डा अपॉन अंडर रूट एल लैम्डा, तो ये आ गया तो यहाँ से 2 अंडर रूट एल लैम्डा आ गया, 2 अंडर रूट एल लैम्डा बी मिनिमम की वैल्यू आ गई, आप चाहो तो इसको अंदर ले सकते हो 4 आ जाएगा, ठीक है। मैं ऑप्शन आपको दिखाता हूँ सॉल्यूशन बाद में देखना, ठीक है। सो इसका सही आंसर मेरे ख्याल से सी वाला जो आंसर है, आप देखिए ये 2 अंदर आ जाएगा तो 4 आ जाएगा, सी वाला ऑप्शन आप देखिए सी वाला, ठीक है। तो 18 का सी हो गया, ये सी वाला क्वेश्चन, इसमें एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन और मैंने दिया है वो और करा लेता हूँ, फिर पोलराइजेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज की क्लास में मुझे लगा थोड़ा जरूरी था आपको मोटिवेट करना, ये क्वेश्चन नंबर 2, 2 टावर्स ऑन द टॉप ऑफ 2 हिल्स आर 40 किलोमीटर अपार्ट, ये 2 हिल है, एक ये है और एक ये है मान ली, और इस पर ये टावर लगे हुए हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर, ठीक है। इसके आगे कह रहा है द 2 टावर्स ऑन द टॉप ऑफ 2 हिल्स आर 40 किलोमीटर अपार्ट, द लाइन जॉइनिंग देम पासेज 50 मीटर अबव अ हिल हाफ वे बिटवीन द टावर्स, 50 मीटर अबव हाफ वे बिटवीन द टावर, ठीक है। तो एक लाइन है जो उन दोनों को कनेक्ट कर रही है, वो ये लाइन हो गई, और ये यहाँ एक और पहाड़ी है जिसके ऊपर से 50 मीटर ऊपर से जा रही है, कितने से 50 मीटर, एक बीच में दोनों के बीच में हाफ वे बिटवीन टू हिल्स एक और पहाड़ी है जो यहाँ है और इसके ऊपर से एक जो लाइन जा रही है उससे 50 मीटर नीचे है, ठीक है 50 मीटर नीचे है, और वॉट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव विच कैन बी सेंट बिटवीन द टावर्स विदाउट एप्रिशिएबल डिफ्रेक्शन इफेक्ट, ठीक है। यानी हमें लैम्डा बताना है रेडियो वेव, देखिए ये क्वेश्चन है, ये 2 टावर है 40 किलोमीटर इनके बीच का डिस्टेंस है, ये 50 मीटर का, यहाँ एक और पहाड़ी है इसमें और इसमें जो गैप है वो 50 मीटर का है, ठीक है। तो लैम्डा हमको बताना है कि एक टावर से दूसरे टावर को रेडियो वेव भेजेंगे तो डिफ्रेक्शन का इफेक्ट ना आए, डिफ्रेक्शन का इफेक्ट का मतलब है कि ये जो गैप है ना ये एक तरह से होल के जैसा काम करेगा, तो जब हम इसको यहाँ से भेजेंगे तो इस गैप में से पार निकल जाएगी। तो कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जेड इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई लैम्डा, जेड की जो वैल्यू थी वो यही थी, बोलिए जेड की जो वैल्यू थी वो ए स्क्वायर बाई लैम्डा थी, अभी ये जेड वो डिस्टेंस था जिस पर डिफ्रेक्शन हो रहा है, तो ध्यान रहे ये 40 किलोमीटर है, तो आप जब यहाँ से रेडियो वेव भेज रहे हो तो वो इससे ज्यादा डिफ्रेक्शन ना हो, इतने से ज्यादा, और ये कितना है 50 मीटर,
तो ये डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये 20 किलोमीटर हो गया, क्योंकि एक टावर से या दूसरे टावर से डिस्टेंस 20 किलोमीटर होगा, तो बीच में है। तो यहाँ से जब ये वेव जा रही है रेडियो वेव, तो 20 किलोमीटर चलने के बाद 50 मीटर से ज्यादा डिफ्रेक्शन अगर हुआ, उसमें बेंडिंग अगर हुई, तो ये लाइन या ये जो पहाड़ी है इससे ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, यानी रुकेगी लाइन से या इससे टकरा जाएगी। तो 50 मीटर से ज्यादा का डिफ्रेक्शन नहीं होने देना है, तो उसके लिए लैम्डा की वैल्यू बतानी है रेडियो वेव की, ठीक है। तो ये लैम्डा की वैल्यू जो हमें बतानी है, जेड हमें पता है 20 किलोमीटर ये डिस्टेंस हो गया और ये साइज हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू यहां से हम कैलकुलेट करेंगे, तो ए स्क्वायर बाई जेड। अब ए यहां पे 50 मीटर है तो ये 2500 और जेड 20 किलोमीटर यानी 1000 और, ठीक है, तो एक जीरो तो ये चला गया, एक जीरो ये चला गया, ठीक है, और ये आपका 12.5, तो 12.5 डिवाइडेड बाई 100 मीटर है। अगर आप इसको सेंटीमीटर में बदल लोगे तो ये 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये रेडियो वेव की वेवलेंथ आ जाएगी, ठीक है, जो वेवलेंथ लॉन्गेस्ट पूछ रहा है लैम्डा मैक्सिमम, ठीक है, ये डिस्टेंस फिक्स है, ये फिक्स है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो लैम्डा की हमें मिल गई कि इस वेवलेंथ तक की, इससे कम वाली तो चली जाएंगी, इससे कम वाली तो चली जाएंगी। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखो समझो मेरी बात को, अगर लैम्डा ए के साइज का ये 50 मीटर है और लैम्डा कितना आया 12.5, आप समझना मेरी बात को, ए की वैल्यू 50 मीटर और लैम्डा 12.5, अगर लैम्डा इससे कम होता है और कम करते जाओ, जैसे लैम्डा की वैल्यू सपोज करो 1 मिलीमीटर होगी, ये 50 मीटर है तो लैम्डा ये है, तो आपको याद होगा कि अगर ए काफी बड़ा है लैम्डा से, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ए काफी बड़ा है लैम्डा से, तो डिफ्रेक्शन होगा नहीं, सीधी चली जाएगी, स्ट्रेट चली जाएगी, तो उसमें वेव के ट्रांसमिशन में कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। लेकिन अगर लैम्डा बढ़ाते जा रहे हो, ए तो फिक्स है 50 मीटर, तो लैम्डा जब बढ़ाते जाओगे, यानी लैम्डा की वैल्यू और ए की वैल्यू कंपेरेबल, ये जो इक्वल का साइन नहीं है, कंपेरेबल। अब आपने कहा वो कैसे, तो अब यहाँ पे 50 मीटर है और लैम्डा आपका ये आया, तो अब यहाँ पे डिफ्रेक्शन के इफेक्ट आने लगेंगे, नो डाउट सेंटीमीटर में, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफ्रेक्शन का इफेक्ट आना शुरू होगा, डेविएशन होना शुरू होगा, तो ये लाइन से या तो टकराएगी या इस पहाड़ी से टकराएगी, या तो इस लाइन से टकराएगी या पहाड़ी से टकराएगी, तो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, तो हमें इसी बीच के गैप में से निकालना है। और लैम्डा को जब हम बढ़ा रहे हैं, आप सोचो ना, लैम्डा को बढ़ा रहे हैं तो एक ही तरफ जा रहा है, एक एक क्लोजर जा रहा है, तो वहां डिफ्रेक्शन के इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन लैम्डा को छोटा रखोगे, ए का साइज तो फिक्स है यहाँ 50 मीटर हो गया, तो लैम्डा जितना छोटा रखोगे उतना अच्छा है, स्ट्रेट लाइन में जाएगी, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होगा, डिफ्रेक्शन होगा ही नहीं, जितना लैम्डा कम रहेगा 50 मीटर से, लैम्डा जितना कम होगा, तो आप सोचिए ए बड़ा बड़ा है, लैम्डा छोटा छोटा है, तो सीधे चली जाएगी, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होगा ही नहीं। आई होप कि मेरी बात समझ में आ गई है। तो ये जो लैम्डा आया है, ये लैम्डा मैक्सिमम है, इससे ज्यादा करोगे तो डिफ्रेक्शन का इफेक्ट आने लगेगा और ये ऑब्स्ट्रक्ट करने लगेगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज से लेके आया हूँ, क्वेश्चन पूछ लेगा नीट में, जेई मेन में क्वेश्चन पूरा कॉपी पेस्ट कर देगा। तो अब देखिए, ये क्वेश्चन मैं पक्का कह सकता हूँ आपको नहीं आता, ये फॉर्मूला नहीं पढ़ाया तो। अब ये फॉर्मूला पढ़ लिया, एनसीईआरटी से ही है, क्वेश्चन भी मैंने आपको दिखाया, यही पूछ लेगा। तो ये टॉपिक तो यहाँ कंप्लीट हो गया, अब आते हैं हम पोलराइजेशन पर, ठीक है। लास्ट टॉपिक है पोलराइजेशन, मैंने शीट आपको कल भेजी दी थी, पोलराइजेशन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पोलराइजेशन है क्या, और पोलराइजेशन में तीन चीजें पढ़नी है हमको वैसे, एक तो पोलराइजेशन थ्रू पोलरॉइड एनालाइजर, पोलराइजर का यूज करके, एक पोलराइजेशन थ्रू रिफ्रैक्शन जो स्लैब पे हम ब्रूस्टर एंगल वगैरह ब्रूस्टर्स लॉ जो पढ़ते हैं, और एक पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। तीन चीजें हैं, बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन स्कैटरिंग पे नहीं मिलेगा आपको, ब्रूस्टर्स एंगल पे भी बहुत कम मिलेंगे, लेकिन पहला जो केस मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो पोलराइजेशन सबसे पहली बात, सभी तरह की वेव में होता है, लेकिन वेव लॉन्गिट्यूडनल नहीं होनी चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल चाहे वो लाइट हो या कोई भी हो, बस लॉन्गिट्यूडनल नहीं होनी चाहिए। तो लाइट तो वैसे भी ट्रांसवर्स वेव है तो पोलराइजेशन हो जाएगा, लेकिन साउंड, साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव ही होती है, तो साउंड को पोलराइज नहीं कर सकते। एक तो ये बात, क्वेश्चन इसी पे आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव कैन नॉट बी पोलराइज। पोलराइजेशन होता क्या है और क्यों ट्रांसवर्स वेव के लिए पॉसिबल है? तो पोलराइजेशन में क्या होता है कि वाइब्रेशन जो होते हैं उनको एक प्लेन में लिमिट करना होता है, एक प्लेन में लिमिट करना होता है। जैसे मान के चलिए ये फिंगर मेरी जैसे नजर आ रही है आपको, अब यहाँ कोई रस्सी सामने मैंने बांध दी और उस रस्सी को मैंने यहाँ पकड़ लिया और ऐसे अगर मैं इसको हिला रहा हूं, तो इसमें से वाइब्रेशन आप देखोगे यहाँ से वाइब्रेशन ऐसे क्रॉस कर जाएंगे,
ठीक है आगे की तरफ। लेकिन अगर मैं वाइब्रेशन ऐसे कराता हूँ इस तरह से, तो ये वाइब्रेशन यहाँ ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, ये स्लिट आगे जाने नहीं देगी, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे वाइब्रेशन होते हैं तो ये वाले वाइब्रेशन हो जाएंगे, पार निकल जाएंगे। तो अगर हम इसको इस तरह से करेंगे तो ये नहीं होने देगा। तो लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में वाइब्रेशन लेंथ के अलोंग या डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के अलोंग होते हैं। तो ये स्लिट ऐसे रखो तो भी वाइब्रेशन इसमें से पास हो जाएंगे, ऐसे रखोगे तो भी वाइब्रेशन पास हो जाएंगे, ऐसे रखोगे तो भी पास हो जाएंगे। लेकिन अगर ये ट्रांसवर्स वेव है तो ऐसे करके वाइब्रेट हो रहा है तो पास हो जाएगा, लेकिन इसको स्लिट को अगर घुमाया तो अब आप देख रहे हो कि इसके वाइब्रेशन रेस्ट्रिक्ट हो गए, फिर ये वाले वाइब्रेशन अलाउड है, ये वाले वाइब्रेशन अलाउड है। और अगर इसको स्लिट को हम ऐसे घुमा दें तो ये वाले वाइब्रेशन रुक गए, फिर ये वाले पॉसिबल होंगे। आपको मेरी बात समझ में आई हो? तो पोलराइजेशन में क्या है कि पहले तो ट्रांसवर्स वेव के लिए हो पाएगा, लॉन्गिट्यूडनल में तो रोक ही नहीं सकते, लिमिट ही नहीं कर सकते, क्योंकि वाइब्रेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होते हैं, ठीक है। सो पोलराइजेशन Polarization takes place for all types of transverse wave, में चाहे वो कोई सी भी हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, मैकेनिकल हो, रस्सी में जैसे वेव अगर ट्रांसवर्स है तो उसमें भी हो जाएगा, और लाइट है, एक्स रेज है, गामा रेज है, जो भी है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सभी ट्रांसवर्स होती है, तो इनमें भी होता है, ठीक है। तो पोलराइजेशन टेक्स प्लेस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव। Longitudinal wave cannot be polarized. Longitudinal waves cannot be polarized. ठीक है, तो इसमें आप कह सकते हैं thus sound wave को हम polarize नहीं कर सकते, thus sound wave cannot be polarized. अच्छा, मैंने पीछे आपको साउंड जब पढ़ाया था, हो सकता है साउंड में मैंने आपको डॉपलर इफेक्ट पढ़ाया होगा, साउंड में लाइट, साउंड में डॉपलर इफेक्ट तो पढ़ाया था, लेकिन लाइट वाला डॉपलर इफेक्ट भी साउंड में शायद बताया होगा आपको, ठीक है। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी उठाओगे तो ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में लाइट का डॉपलर इफेक्ट अलग दिया है, तो मैं जब उधर 11th में आपको साउंड मैंने पढ़ाया होगा तो उधर साउंड में डॉपलर इफेक्ट तो पढ़ाया ही है, लेकिन लाइट में भी होता है, तो लाइट वाला भी उधर पढ़ा दिया होगा, 100% मुझे याद है कि मैंने कराया होगा। तो उसमें क्वेश्चन गैलेक्सीज वगैरह के रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट वगैरह, ये शायद आपको पढ़ा दिया होगा, उधर साउंड में ही मैं करा देता हूं, तो यहां अलग दोबारा से फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो साउंड वेव कैन नॉट बी पोलराइज्ड, बट लाइट कैन बी पोलराइज्ड, लाइट को पोलराइज किया जा सकता है, ठीक है। या एक्स रेज है, गामा रेज, जितनी भी ट्रांसवर्स वेव होती है उन सबको पोलराइज कर सकते हैं, साउंड को नहीं कर सकते, ठीक है। इन शॉर्ट यही है कि जो वाइब्रेशन, ऐसी कोई भी वेव जिनमें वाइब्रेशन वेव के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं, वो वेव पोलराइज करी जा सकती है, और जिसमें अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होते हैं वाइब्रेशन, तो उनको पोलराइज नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब ये क्या है, तो इसमें पोलराइजेशन को अगर हमें डिफाइन करना हो तो पोलराइजेशन इज द फिनोमेना ऑफ लिमिटिंग द वाइब्रेशन ऑफ अ वेव इन अ प्लेन, ठीक है। पोलराइजेशन इज द फिनोमेना ऑफ लिमिटिंग द वाइब्रेशन ऑफ अ वेव इन अ प्लेन, सच अ वेव इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज। ऐसी वेव को प्लेन पोलराइज कहते हैं, सच अ वेव इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, अनपोलराइज लाइट जो होती है उसके वाइब्रेशन सभी डायरेक्शन में होते हैं, और जब हम उसको, कई सारे तरीके हैं पोलराइज करने के, इनमें सबसे पॉपुलर तरीका है कि इसमें ऑप्टिकल क्रिस्टल लेते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल क्रिस्टल केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते होंगे, पोलराइजेशन वगैरह वहां पढ़ाया जाता होगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज वगैरह जब पढ़ाया जाता है तो
तो वहां पे भी आपको बताया जाता होगा, केमिस्ट्री में भी है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो वहां क्रिस्टल्स लेते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, तो वो क्या करते हैं उनकी एक एक्सिस होती है, उस एक्सिस के पैरेलल जितने भी वाइब्रेशन होंगे वो तो उसमें से पार निकल जाते हैं, लेकिन बाकी के वाइब्रेशन रुक जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। और पूरी तरह से ब्लॉक होते हैं जब परपेंडिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन इसके जो परपेंडिकुलर नहीं होते तो भी कुछ लाइट उसमें से पार निकलती है, जो परपेंडिकुलर वाले होते हैं वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। पहले आप इसको इतना प्लेन पोलराइज, सच अ वेव इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज वेव, पहले आप इतना नोट करिए। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए यहां कोई सोर्स हमने ले लिया, ये लाइट का सोर्स है एस, और इससे जो लाइट आ रही है उसके वाइब्रेशन सभी डायरेक्शन में। सबसे पहले एक बात जो समझने की है कि अनपोलराइज लाइट के वाइब्रेशन सभी डायरेक्शन में होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, जैसे लाइट ऐसे जा रही है तो वाइब्रेशन इस वाले डायरेक्शन में भी है, इस वाले डायरेक्शन में भी है, ऐसे वाले भी हैं, ऐसे वाले भी हैं, ठीक है, यानी ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं और ऐसे भी, ठीक है। तो दोनों मतलब सभी डायरेक्शन में होते हैं अनपोलराइज लाइट। तो अभी यहाँ पे मैं जो दिखा रहा हूँ इसी को, ये अनपोलराइज लाइट है, ठीक है, और अनपोलराइज लाइट के वाइब्रेशन सभी डायरेक्शन में, अनपोलराइज लाइट। इसके बाद यहां पर जब आगे पहुंची तो एक हमने क्रिस्टल इसमें रख दिया, पोलरॉइड भी कह सकते हैं, पोलराइजर भी कह सकते हैं, और इसमें कई सारे तरह के ये मटेरियल होते हैं। इसमें एक टॉरमेलिन क्रिस्टल आता है, टॉरमेलिन नाम आपने सुना होगा, ठीक है, कोनाइन आइडोसल्फेट ये भी एक क्रिस्टल है, आप केमिस्ट्री वगैरह में नाम सुनते होंगे। तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं वर्टिकल वाली, ये इस क्रिस्टल की एक्सिस है, जो वाइब्रेशन यानी ये वाले जो वाइब्रेशन है, ये वाले वाइब्रेशन जो कि इसके पैरेलल है, तो ये वाले वाइब्रेशन तो इसमें से पार निकल जाएंगे, लेकिन इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले ये वाले उनको ये ब्लॉक कर देगा। हालांकि ये जो इस पर किसी एंगल में है, जैसे ये भी पार निकलेंगे, लेकिन उनकी इंटेंसिटी उतनी नहीं होगी जितनी जब शुरुआत में थी, क्योंकि वो भी कुछ ब्लॉक हो जाती है। यहाँ एक बात समझने की है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे समझो कि ये जो रेड कलर का ये तो एक्सिस है, तो जो वाइब्रेशन इसके पैरेलल है, जो वाइब्रेशन इसके पैरेलल है ये तो इसमें से पार निकल जाएंगे, जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये पूरी तरह से ब्लॉक हो जाते हैं। आगे मैं एक लॉ बताने वाला हूँ, लॉ ऑफ मैलस, पूरी तरह से। अब ये जो ऐसे किसी एंगल पे है इस तरह से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये दोनों पैरेलल है, ये रेड वाली एक्सिस है और ये ब्लैक वाले वाइब्रेशन है, तो ये वाइब्रेशन तो इसमें से पार निकल गए, लेकिन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो थे वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी एंगल पे है ऐसे, तो वो पूरी तरह से ब्लॉक नहीं होते, ध्यान रखना, पार्शियली इसमें से ट्रांसमिट होंगे, और कितना ट्रांसमिट होगा ये डिपेंड करता है इनके बीच में जो एंगल है उसकी वैल्यू पर। और आगे देखेंगे कि जो इंटेंसिटी ट्रांसमिट होगी वो इसमें जो एंगल है दोनों की एक्सिस के बीच में थीटा, उसकी कॉस वैल्यू यानी कॉस थीटा के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएंगे। तो जब ये 90 का एंगल हो जाता है, कॉस 90 जीरो, यानी कोई इंटेंसिटी इसमें से पास नहीं होगी। आगे हम देखेंगे यही लॉ ऑफ मैलस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सोर्स है लाइट का सोर्स, और इसमें से ये वाइब्रेशन जा रहा है, अनपोलराइज लाइट है, ठीक है। तो अब इसमें से ये क्या करेगा, केवल वो वाइब्रेशन जो इसके पैरेलल थे, एक्सिस के पैरेलल थे, वो वाइब्रेशन इसमें से इसने पार निकाल लिया, ठीक है। तो ये जो पार निकले हैं ये प्लेन, बोर्ड के प्लेन में है, इस प्लेन को हम कहते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। जो इसकी एक्सिस, ये वाली एक्सिस है, ये पोलराइजर है, इसका नाम है, या नीचे रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा है, पोलराइजर, ठीक है। और इसको
यहां पर ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ होराइजन। ठीक है, छोटा सा ही टॉपिक है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्सिस ऑफ पोलराइजर और ये जो आप वाइब्रेशन देख रहे हैं, इसमें अगर हम एक प्लेन बनाते हैं, ये मैं बना भी देता हूं, एक ऐसा ये प्लेन है, ये रेड कलर में जो बना है, सो दिस इज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। एक और प्लेन है जो यहां इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैं बनाने की कोशिश करता हूं, ये ग्रीन वाला हो सकता है आपको नजर आ रहा हो प्रॉपर, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, आपको अगर ठीक से नजर आ रहा हो तो एक ग्रीन वाला है, ये ग्रीन वाले को कहते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। सो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन वो वाला प्लेन है जो इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये जो एंगल है ना, ये एंगल 90 है, ये एंगल यहां पर, ये अगर आपको दिख रहा हो तो दिस एंगल इज 90। ठीक है, सो जो रेड वाला है, ये रेड वाला जो प्लेन है, ठीक है, इसे हम कह रहे हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन यानी इसी में जो वाइब्रेशन है रेड वाले में, जो इस बोर्ड के प्लेन में एक्सिस पीस है, ये पास हो जाएंगे। ये जो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, सो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये ग्रीन वाले में कोई भी वाइब्रेशन इसमें से ट्रांसमिट नहीं होगा। ठीक है, और मेनली जो पोलराइज होता है इसमें, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ही पोलराइज होगा और वो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में पोलराइज होगा। ठीक है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में। ठीक है, अब इससे आगे चला गया, अब आपको चेक करना है, ये लाइट हमें ऐसे वाली मिल रही थी, आपको चेक करना है कि लाइट पोलराइज हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पे इसी तरह का क्रिस्टल रख देते हैं, बिल्कुल दोनों एक जैसे होते हैं बट उनके रोल अलग अलग है, इसलिए उनके नाम भी अलग अलग है। जैसे इस ये पोलराइज कर रहा है तो इसका नाम है पोलराइजर। आगे जो क्रिस्टल हम रखेंगे ऐसा ही होगा बिल्कुल, बट उसकी एक्सिस बदल देंगे, यानी उसको थोड़ा टर्न करके रखेंगे। पहले ऐसे ही रखा है दोनों, तो लाइट पार होगी, जैसे जैसे उसको घुमाते जाते हैं आगे जो रखें, तो वो इंटेंसिटी कम होते होते 90 पे जब उसकी एक्सिस हो जाती है इसके, तो उसकी इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। इससे पता लग जाता है कि लाइट पोलराइज हो चुकी है। अगर ये मान लीजिए कोई नॉर्मल क्रिस्टल आपने रखा, तो सारे वाइब्रेशन जो यहाँ थे वो यहाँ पे भी होंगे। तो अब जो क्रिस्टल आपने इसके आगे रखा था, जिसका नाम एनालाइजर होता है, क्या होता है, एनालाइजर, यही होता है, लेकिन उसका रोल एनालाइज करने का होता है, इसलिए नाम होता है एनालाइजर। दोनों एक जैसे होते हैं। तो अब ये वाइब्रेशन ये वाले थे और आपने एनालाइजर यहाँ जो रखा उसकी एक्सिस के पैरेलल है, तो ये वाइब्रेशन इसमें से पार निकल जाएंगे। लेकिन जब आप इसको घुमाओगे ऐसे करके ऐसे, तो आप देखोगे यहां से जब देख रहे होंगे दूसरी साइड से, तो इसकी इंटेंसिटी जो आ रही थी वो धीरे धीरे कम होते होते 90 के एंगल पे जब ये हो जाएगा, 90 के एंगल पे घूमते घूमते इस तरह से, तो वो इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, अगर मान के चलिए ये लाइट पोलराइज नहीं होती, तो उस लाइट में ये वाले वाइब्रेशन भी हैं, ये वाले भी हैं, ये वाले भी हैं, तो आप इसको घुमाते रहो क्रिस्टल को, कोई ना कोई वाइब्रेशन की एक्सिस और इसकी वाइब्रेशन और इसकी एक्सिस कभी ना कभी पैरेलल रहेंगी, तो हमेशा लाइट दूसरी साइड में मिलती रहेगी। तो इससे पता लगेगा कि इसने अपना रोल नहीं किया, ये कोई पोलराइजर है ही नहीं, कि नॉर्मल ग्लास रख दिया आपने जिससे लाइट पोलराइज नहीं हुई। आपको मेरी बात समझ में आई हो? तो अब यहाँ पर एक और क्रिस्टल में रखने जा रहा हूं, थोड़ा सा 3D में विजुलाइज करना पड़ेगा आपको, देख के तो समझ में नहीं आता है, ये ऐसे, यानी वर्टिकल से ये वर्टिकल वाली लाइन है ये वाली, और इससे इसकी एक्सिस किसी एंगल थीटा पे हमने यहाँ पर रख दिया। तो ये चेक करेगा वेदर द लाइट इज पोलराइज्ड और नॉट, इसका नाम है चेक करता है, इसीलिए इसका नाम है एनालाइजर। और यहां से आप इसको देख रहे हैं, तो लाइट आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये डिपेंड करता है कि इसको कितने एंगल पर रखा गया है। अगर 90 के एंगल पर रख देंगे तो कोई लाइट हमको वहां नहीं मिलेगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉ ऑफ मैलस वगैरह, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। ठीक है, तो आप पहले इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक बात और मैं यहां पे लिखा देता हूं, लाइट, लाइट में मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है,
मेनली मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, आपको याद होगा एक फॉर्मूला, ये मैंने जब ईएम वेव पढ़ाया था तब बताया था, सी इक्वल्स टू ई बाई वी। तो लाइट जब ट्रेवल करती है तो उसमें एनर्जी आधी इलेक्ट्रिक और आधी मैग्नेटिक होती है, आधी इलेक्ट्रिक आधी मैग्नेटिक एनर्जी। इस साल क्वेश्चन भी आया था नीट में, कंफ्यूज हो गए कुछ बच्चे, तो उसमें एनर्जी तो बराबर बराबर होती है 1:1 के रेशियो में, एनर्जी डेंसिटी भी बराबर बराबर होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड मच स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब इसके बराबर आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, याद रहे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो जो होता है वो C:1 होता है। तो ये भी ऑप्शन था, बच्चा उसमें कंफ्यूज हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में तो बहुत अंतर होता है, लेकिन जो डेंसिटी या एनर्जी जो होती है वो बराबर होती है, ठीक है। सो लाइट जिसमें हम मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज पोलराइज्ड इन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कई बार डायरेक्ट पूछेगा, तो इसको मतलब कि इसको प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में इसको अलाउ कर देगा निकलने के लिए, ठीक है। और हमें यहाँ पे जो वेव मिलेगी वो प्लेन पोलराइज होगी। अब इसमें देखिए, यहाँ पर एक बात जो समझने की है कि जो इंटेंसिटी इसमें से ट्रांसमिट होगी, ठीक है, इंटेंसिटी जो ट्रांसमिट होगी वो क्या होगी, तो इसको मैं ज्यादा डिटेल में और बताता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे वो लॉग मेलस पे आएंगे। ये सोर्स है और सोर्स की जो इंटेंसिटी है इसको मैं आई कह रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि न्यूमेरिकल अब आपको करने में आगे दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस बात को अच्छे से समझ लोगे। तो यहाँ आई का मतलब इंसिडेंट लाइट, ये पोलराइजर की एक्सेस है, पूरा पोलराइजर नहीं बना रहा हूं, ये एक्सेस ऑफ पोलराइजर, एक्सेस ऑफ पोलराइजर, ठीक है। अब इसमें से जो लाइट यहां निकलती है वो इंटेंसिटी आई नॉट होती है, यहां पे ध्यान देना, आई आई है, इसमें से जो पार निकली आई नॉट, सो दिस इज व्हाट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ये पोलराइजर की एक्सेस है, पूरा पोलराइजर मैंने नहीं बनाया, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट। अब न्यूमेरिकल के लिए आप समझो, न्यूमेरिकल अगर आपको करने हैं, और कोई कंफ्यूजन भी होगा तो क्वेश्चन है शीट में, वो मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, उनको भी आप कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, गलत नहीं करोगे, बढ़िया सवाल रखे, एक से एक अच्छे क्वेश्चन। आई 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 नॉट, अब इसके बाद ये आई नॉट जो है, यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो वैल्यू आती है ये हमेशा हाफ होगी। आपको ये बात नहीं पता होती बच्चों को, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होता है, ये आई आई है इंसिडेंट लाइट, जैसे ही पोलराइजर में से निकलेगी इंटेंसिटी ये रह जाती है जो इसकी आधी होती है। आपके मन में आ रहा होगा आधी क्यों, क्योंकि 50% ब्लॉक हो गई ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर पास कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड ब्लॉक कर दिया, या मैग्नेटिक फील्ड को पास कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ब्लॉक कर दिया। मैं आपको बता रहा था आधी एनर्जी इलेक्ट्रिक और आधी मैग्नेटिक, तो हमेशा ध्यान रखना, ये मेन पॉइंट है जो जिसको लेके आप गलती करोगे और आंसर आपका सही नहीं आएगा, और वो गलत वाला आंसर वहां ऑप्शन में मिलेगा भी। तो यहाँ ये पॉइंट समझने का है, आई नॉट कुछ बच्चे यहाँ समझ लेते हैं ये आई नॉट है, क्योंकि लॉ ऑफ मेलस आप सबने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ मेलस आपने पढ़ा, I इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं इसी पे आ रहा हूँ अभी। लेकिन ये फॉर्मूले में आई नॉट, ज्यादातर बच्चे आई नॉट ये नहीं समझते, उसे ये समझते, तो ध्यान रखना ये इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी जो यहाँ आई नॉट आप देख रहे हैं, ये इंटेंसिटी ये पोलराइजेशन के बाद होती है जो इसकी आधी होती है, आधी एनर्जी ब्लॉक हो चुकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कह लो या मैग्नेटिक एनर्जी, उसमें से हाफ ही पास की, तो वो है ये। अब इसके बाद यहाँ पे क्या किया, जो पोलराइजर की एक्सेस होगी, एक ये एनालाइजर है, ये एनालाइजर की एक्सेस है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। सो अब इसमें ये जो डॉटेड में लाइन खींची है वो इसके पैरेलल है, इस वाले के, और ये जो है ये दिस इज व्हाट एक्सेस ऑफ एनालाइजर। तो अब इसमें से जो इंटेंसिटी मिलती है वो आई मिलती है, ठीक है, इसमें से जो इंटेंसिटी मिलेगी आई, ये आई ये है, तो जो इंटेंसिटी यहां जो हमें मिली है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू cos square theta, where theta is the axis, where theta is the angle between the axis of polarizer and axis of analyzer. अभी लिखाऊंगा ये formula है। तो अब यहाँ पे जो I आ रही है, ये intensity, ये finally, जो आप यहाँ से देख रहे हैं, ये I है, तो यहाँ आप जो देख रहे हैं, इसमें ये intensity I directly proportional to cos square theta, ठीक है। So ये incident light है, intensity of, आप इस फिगर को प्रॉपर बनाइए, इंटेंसिटी ऑफ
इंसिडेंट लाइट, ये आई आई, ठीक है, ये जो लाइन है एक्सिस ऑफ पोलराइजर, ये वाली जो लाइन है इंसिडेंट, ये एक्सिस ऑफ एनालाइजर, दोनों के बीच पे एंगल थीटा, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी आई हुई, ठीक है। अब ये मान के चलिए पोलराइजेशन का मेजर पार्ट एक तरह से आपने खत्म कर लिया, कि जो ज्यादातर क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे वो इसी पर मिलेंगे, ठीक है। तो लॉ ऑफ मेलस, लॉ ऑफ मेलस यही था जो आपके सामने लिखा हुआ है, लॉ ऑफ मेलस, ये साइंटिस्ट का नाम है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द इंटेंसिटी, आई ट्रांसमिटेड बाय एनालाइजर इज directly proportional to cos square theta, where theta is the angle between, theta is the angle between axes of polarizer and analyzer, ठीक है। तो यहाँ आई डायरेक्टली प्रपोर्शनल है कॉस स्क्वायर थीटा के, और अब इसमें यहां से ये प्रपोर्शनलिटी कांस्टेंट में ये आई नॉट आ जाता है, ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये लॉ ऑफ मेलस है, ठीक है, लॉ ऑफ मेलस है। अब यहाँ बात ध्यान देने की ये है, तो अब बच्चा ज्यादातर इसको यूज करता है और यहाँ कंफ्यूज होता है कि ये आई नॉट यहाँ समझता है, लेकिन ये इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी अगर आप इसमें रखोगे तो आई आई बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्रॉपर फॉर्मूला आया। अब गलती नहीं करोगे, मैं अभी आपको एक तो न्यूमेरिकल भी करा के करके दिखाऊंगा, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा और बढ़िया क्वेश्चंस होंगे, कॉन्फिडेंस आएगा आपको, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, आई आई बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें देखिए यहाँ आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा है, तो आप इसको चाहो तो एम्पलीट्यूड, ए एम्पलीट्यूड है और ये भी एम्पलीट्यूड है और कॉस स्क्वायर थीटा, तो a a नॉट cos थीटा, यानी लॉ ऑफ मेलस को एम्पलीट्यूड के टर्म में भी लिख सकते हैं। ये a क्या है और ये a क्या है, ये यहां क्लियर होना चाहिए। तो ये a नॉट क्या है, ये जो लाइट पोलराइज हुई है उसका एम्पलीट्यूड है, और ये वाला a क्या है, आई से पता लग रहा होगा, जो यहां पे एनालाइजर से ट्रांसमिट हुई है उसका एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड बाई एनालाइजर। अब आप सोचिए कि अगर एंगल यहाँ पे 90 हो जाएगा या यहाँ 90 हो जाएगा तो कुछ भी ट्रांसमिट नहीं होने देगा, एनालाइजर पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा, जीरो इंटेंसिटी मिलेगी, एंड दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ, इसी में कंफ्यूजन होता है। यहाँ आई नॉट, यू नो ये साफ लिखा हुआ है इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट, ध्यान रखना आई नॉट इंसिडेंट लाइट नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यही गलती करते हो वहां आंसर में टू के फैक्टर का अंतर आएगा और वो आंसर भी मिल जाएगा और आप गलत करें आपके, ठीक है, बाद में समझ में नहीं आता बच्चे को कि कैसे हुआ। तो एम्पलीट्यूड ऑफ पोलराइज्ड लाइट, एम्पलीट्यूड ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, ये हो गया। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखिए कुछ न्यूमेरिकल एक दो मैं आपको करा देता हूँ, मेन क्वेश्चन इसी पे पूछे जाते हैं, एक दो चीजें और हैं छोटी छोटी वो भी मैं बता दूंगा। एक पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ब्रूस्टर्स लॉ आगे मैं बताऊंगा, उसमें भी एक दो सवाल आए हैं, ठीक है। नोट कर लिया होगा आपने, ये लॉ ऑफ मेलस पर क्वेश्चंस आपको काफी अच्छे मिलेंगे, और मैंने एक से एक सेलेक्टिव क्वेश्चन रखे, कई कई सोर्सेस से मैंने ढूंढ के क्वेश्चन लाया,
और उसमें आप यही नहीं कि आईआईटी में तो एडवांस में तो है नहीं ये टॉपिक, बताया था मैंने आपको डिफ्रेक्शन पोलराइजेशन नहीं है, पहले थे डिफ्रेक्शन वगैरह पहले आए हैं क्वेश्चन, लेकिन कई साल पहले हटा दिए दोनों टॉपिक। और जेई मेन में आता है, नीट में आता है, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जो स्टेट लेवल के एग्जाम में आए लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं तो वो शीट में रखे, वो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन अभी दो जो टाइप है वो भी पढ़ लेते, फिर इकट्ठे ही शीट को डिस्कस करेंगे। एक और है इसमें पोलराइजेशन बाई स्कैटरिंग। अब देखिए ये जो मैं बता रहा हूं इसमें केवल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, केवल थ्योरेटिकल है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, बट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में इसमें कॉन्सेप्ट में समझना है क्या है। तो स्कैटरिंग से भी हम लाइट को पोलराइज करते हैं, तो लाइट को अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंसिडेंट किया जाता है तो मीडियम के पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर देते हैं, और दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब लाइट स्कैटर होती है तो वो पोलराइज्ड होती है। किस तरह से पोलराइज होती है वो फिगर से मैं समझाऊंगा। बस यहाँ पे दो तीन लाइन हम लिखेंगे, व्हेन लाइट इज स्कैटर्ड बाय मीडियम पार्टिकल इट इज स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन द लाइट विच इज स्कैटर्ड इन स्कैटर्ड इन टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ठीक है, विच इज स्कैटर्ड द लाइट फुल स्टॉप के बाद यहां पे ऐसे लिखेंगे द लाइट विच इज स्कैटर्ड इन टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस इज पोलराइज्ड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है फिगर से थोड़ा सा समझो। जैसे लाइट ऐसे आ रही थी और यहाँ पे कोई पार्टिकल है इससे टकराई, और टकराने के बाद एक तो इस डायरेक्शन में चली गई और एक इस डायरेक्शन में चली गई। ठीक है, मान लो ये एक्स डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है, और ये आई थी वाई के डायरेक्शन में, ये वाई का डायरेक्शन है। ठीक है, तो अभी ये जो लाइट आ रही थी, एरो में नहीं लगा रहा हूं, तो एरो में कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो फिर, तो लाइट जो आ रही थी वो इस डायरेक्शन में आ रही थी, ये पार्टिकल है जिससे स्कैटरिंग हुई, ये मीडियम का पार्टिकल है, ओरिजिन नहीं है। तो अब इसमें जो लाइट ऐसे आ रही थी तो इसमें ये वाले वाइब्रेशन है, एक ये वाले हैं डबल हेडेड एरो, ये अनपोलराइज लाइट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट के वाइब्रेशन यहाँ पे ऐसे वाले हैं। ठीक है, और एक वाइब्रेशन इसमें बोर्ड के परपेंडिकुलर है, जो मैं यहाँ कैसे दिखा रहा हूं डॉट से। ठीक है, डॉट का मतलब है कि बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसे वाले वाइब्रेशन है, और भी होंगे बट फिलहाल मैं यहाँ पे दो ही दिखाएं, एक तो बोर्ड के प्लेन में, तो ये प्लेन कौन सा हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया ना, एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, तो एक एक्स वाई प्लेन में वाइब्रेशन हो गया, और एक हो गया बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसे, तो ये कौन सा प्लेन हो गया, ये वाई जेड वाला प्लेन हो गया। तो जब यहां से स्कैटरिंग होगी, ये पार्टिकल है जो इसको स्कैटर करेगा, इसका नाम है स्कैटरिंग पार्टिकल। ठीक है, इसका नाम है स्कैटरिंग पार्टिकल, राइट, स्कैटरिंग पार्टिकल। और अब ये जो स्कैटरिंग पार्टिकल से टकराने के बाद निकलेंगी तो कुछ वेव इधर आएगी, कुछ इधर आएगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और ये पोलराइज हो जाएगी। तो अब यहाँ पे कैसे पोलराइज होगी ध्यान दीजिएगा, और या इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसमें कलर डिफरेंट यूज कर रहा हूं जिससे थोड़ा आपको समझने में आसानी रहे। ये जो ब्लैक वाले जो डॉट है ना, ब्लैक वाले डॉट, इसको हम डिफरेंट कलर से ले लेते हैं, मैं बताऊंगा क्यों ऐसा कर रहा हूं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये ग्रीन वाले जो डॉट है, ये ग्रीन वाले डॉट जो है वो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, क्योंकि ऐसे थे, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, आप देखिए
और वाई जेड प्लेन में, और ये मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ध्यान दीजिएगा ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो अब अगर आप यहां से ऑब्जर्व करोगे, यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो एक्स एक्सिस की तरफ से, तो आपको जो वाइब्रेशन यहां मिल रहे होंगे वो डॉट वाले मिल रहे होंगे, यानी इस डायरेक्शन में ये जो डॉट वाले थे ना ऐसे जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है वो वाले वाइब्रेशन तो इधर आ जाएंगे, यानी जो वाइब्रेशन वाई जेड प्लेन में थे वो वाइब्रेशन तो इधर आ गए। इसमें ये जो रेड वाले थे ये ब्लॉक कर दिए, रेड वाले जो थे वो ब्लॉक कर दिए, रेड वाले किधर आएंगे, रेड वाले इधर आएंगे, अब कलर से आपको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये जो लाइट थी, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, ये जो लाइट है दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, ये अनपोलराइज्ड लाइट ये, और ये वाली ये पोलराइज हो गई क्योंकि इसमें एक ही तरह के वाइब्रेशन है, एक ही तरह के वाइब्रेशन है, और ये भी कैसी है पोलराइज्ड लाइट। अब यहां थोड़ा सा गौर करने की बात है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, ध्यान रखना केवल इतना ही था, बस इतना ही है। तो मैंने क्या लिखा है, विच इज स्कैटर्ड इन टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती है पोलराइज होके, और वो जो डायरेक्शन है वो ओरिजिनल डायरेक्शन, जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट था वाई एक्सिस के अलावा उसके परपेंडिकुलर है, टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट इज पोलराइज, ये वाली, ठीक है। टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो जाएगी, कोमा लगा के लिखा है, ध्यान रहे, यानी ये है कि द लाइट विच इज स्कैटर्ड, ठीक है, इन टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज पोलराइज, यानी जो लाइट स्कैटर्ड हुई दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इज पोलराइज, बीच में ये एडिशनल लाइन है स्कैटर्ड इन टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन, या फिर एक कॉमा आपको लगाना चाहिए, ये कॉमा पंक्चुएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब समझ में आया, टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लाइट गई किसके परपेंडिकुलर में गई, इंसिडेंस वाले के, तो वो ये वाली लाइट और ये वाली लाइट कैसी होगी पोलराइज। अब इसमें जो ग्रीन वाले वाइब्रेशन थे वो वाई जेड प्लेन के पैरेलल थे वाई जेड में, तो वाई जेड वाले वाइब्रेशन तो इधर आ गए एक्स के डायरेक्शन में, और जो एक्स के पैरेलल थे ये वाले एक्स वाई प्लेन के वो जेड एक्सिस में आ गए, यानी जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है किसके, एक्स वाई प्लेन के, जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है एक्स वाई प्लेन के, तो जेड एक्सिस के अलाउंड जो वाइब्रेशन आए वो एक्स वाई वाले आए, और इसी तरह से एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर है किसके, वाई जेड के, तो इसमें जो वाइब्रेशन निकल के आए वो वाई जेड प्लेन वाले वाइब्रेशन निकल गया है, तो ये भी पोलराइज है ये भी पोलराइज है, ठीक है। बट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही ऐसा होता है, कोई फॉर्मूला नहीं है, और भी डिटेल में आप इसके जा सकते हैं, लेकिन आपके 12th लेवल पर बस इतना ही था जो मैंने आपको बताया। इसके बाद एक और है, और वो है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, वो और मैं आपको बताता हूं। लास्ट है ये आर्टिकल, और इसके बाद मैं दो चार क्वेश्चन करा दूंगा। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन में देखिए, ये कोई ग्लास स्लैब है, और इस ग्लास स्लैब में यहाँ लाइट को हमने इंसिडेंट किया, ये लाइट को जब हम इंसिडेंट कर रहे हैं इसमें, तो अभी ये अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड, जैसे अभी मैंने इसमें बताया कि इसमें दोनों तरह के वाइब्रेशन है, ये रेड वाले एरो जैसे यहां बनाए थे डबल हेडेड एरो, ठीक है ये, और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी बोर्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है। अब होता क्या है कि जब यहां पे लाइट एक खास एंगल पर, ऐसा नहीं किसी भी एंगल के लिए ऐसा होगा, एक खास एंगल पर इंसिडेंट करी जाती है, तो इसमें ये पार्शियली रिफ्लेक्ट तो होगी होगी और कुछ ट्रांसमिट भी होगी। तो अगर ये एंगल खास है, देखो कोई खास एंगल ना भी हो तो भी हम जानते हैं कि रिफ्लेक्ट भी होगी और ट्रांसमिट भी होगी, लेकिन एक सर्टेन एंगल पे इसको इंसिडेंट किया जाता है, ये एंगल को मैं आईपी कह रहा हूं, जगह थोड़ा कम है, आईपी लिखा है मैंने, आईपी ऐसे करके लिखा है, यहां लिख के बताता हूं आईपी, ठीक है आईपी, पी का मतलब यहां पोलराइजिंग एंगल है, तो आईपी, और ये एंगल भी आईपी होगा क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो ओबे होगा ही होगा। तो इस सर्टेन एंगल पे जब हम इसको इंसिडेंट करते हैं तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है ये पूरी तरह से पोलराइज हो जाती है, कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है, यानी इसमें 100% जो
वाइब्रेशन है एक डायरेक्शन के, वो ब्लॉक हो जाएंगे, केवल एक ही वाइब्रेशन इसमें अलाउड होंगे। और ये जो लाइट हमें मिलती है जो रिफ्लेक्टेड वाली है, इसमें ये मान लो वाइब्रेशन हमको मिल रहे हैं केवल ये वाले, और जो रेड वाले थे वो ब्लॉक हो गए, रेड वाले ब्लॉक हो गए। तो अब यहाँ पे जो वाइब्रेशन आ रहे थे इसमें ये अनपोलराइज लाइट थी, ये वाली जो लाइट है ये पोलराइज कौन सी वाली, रिफ्लेक्टेड वाली। और इसमें जो लाइट गई यहाँ पर, ये जो लाइट गई है ये पार्शली पोलराइज कह सकते हो, पार्शली के मतलब 100% नहीं, कुछ वाइब्रेशन इसमें इधर चले गए कुछ इधर गए। तो अब यहाँ पे जो लाइट मिलेगी इसमें ये डॉट भी होगा, ऐसा नहीं कि ये रेड वाले आ जाएंगे इसकी तरह, ऐसा नहीं, और इसमें रेड वाले भी होंगे। लेकिन एक चीज आपको यहाँ ध्यान देने की है कि जो रेड वाले मैं जो बना रहा हूँ ये एरो, इसके कंपैरिजन में मैं थोड़ा छोटे बना रहा हूँ, आपको ये चीज नोटिस करनी होगी। और छोटे बनाने का कारण ये है, यहाँ पे जो वाइब्रेशन और डॉट भी अगर आपने नोटिस करी हो, डॉट भी मैंने ये जो पहले जो डॉट बनाई है उनके कंपैरिजन में थोड़ा छोटी डॉट बनाई है, ये शो करने के लिए मैंने बनाया है। अब बुक में तो लिखा नहीं होता कि जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस हो गई, इंटेंसिटी रिड्यूस हो गई। तो ये वाली जो लाइट है, ये वाली, ये रिफ्रैक्टेड या ट्रांसमिटेड लाइट है जो पूरी तरह से पोलराइज नहीं होती, पार्शली होती है, जबकि ये वाली जो लाइट है वो कंप्लीटली पोलराइज होती है, ठीक है। सो अब इसमें एक और खास बात है जो ध्यान देने की है कि ये जो एंगल आता है इसके और इसके बीच में, ये एंगल 90 आता है, जब ये खास एंगल पे डालोगे तभी ऐसा होगा। और ये खास एंगल कितना होगा वो निकाला जाता है, उसी में जो फॉर्मूला आता है उसी को ब्रूस्टर्स लॉ कहते हैं, ये नहीं कि किसी भी एंगल में, यानी ये खास पोलराइजिंग एंगल पे डालोगे तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पोलराइज हो जाती है, और जो ट्रांसमिटेड लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट है उनके बीच में एंगल 90 आता है। यहाँ पे ये वाला जो एंगल है इस एंगल को मैं आर लिखता हूँ, आर दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट आप यहाँ से देखिए पूरा ये जो लाइन है तो टोटल एंगल 180 हो गया, जिसमें से बीच वाला 90 है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं आई पी और आर ये भी 90 डिग्री होगा, देखो ये 90 है टोटल एंगल 180, जिसमें से ये 90 होगा, तो आई पी और आर मिला के कितना हो गया 90, ठीक है। अब यहां से पहले तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, यही लास्ट है, फिर इसमें न्यूमेरिकल में कराता हूं कैसे आते हैं, लॉ ऑफ बैलेंस पर और ब्रूस्टर्स दोनों पे न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे। तो अब इसमें सबसे पहले यहां पर ये अनपोलराइज्ड इंसिडेंट लाइट, ये जो इंसिडेंट लाइट और ये वाली जो लाइट है, यहां इसको मैं हटा देता हूं, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज, पूरा लिख ही देता हूं क्योंकि जब आप इसको पढ़ोगे तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज, और ये जो ट्रांसमिटेड लाइट है, ठीक है, ट्रांसमिटेड लाइट है ये पार्शली पोलराइज होती है, ध्यान रखें ये पार्शली पोलराइज होती है, ठीक है। पार्शली पोलराइज का मतलब है पूरी तरह से ब्लॉक नहीं हुआ, एरो लेकिन आप देख रहे हैं इसके मुकाबले थोड़ा छोटे कर दिए, क्योंकि जो इंटेंसिटी 100% आ रही थी कुछ तो इधर चली गई, अब इधर जो आएगी वो तो कमी आएगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो अब इसमें ये जो है पार्शली पोलराइज, या मैं कहूं ट्रांसमिटेड लाइट, लाइट इज पार्शली पोलराइज, ठीक है। अब एक और खास बात यहां समझने की है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, जैसे कि अगर इसकी इंटेंसिटी आई थी, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से, ये इसकी इंटेंसिटी आई थी, बहुत अच्छा सवाल बनता है, इसकी इंटेंसिटी आई थी तो इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, आई बाई टू, ऐसा क्वेश्चन देगा, तो बच्चा क्या सोचता है कि ये आई है तो आई बाई टू इसमें हो जाएगी, यही गलत है, इसीलिए तो मैंने कहा ना अच्छा सवाल है। अब आपने कहा वो क्यों गलत है, क्योंकि ये तो पोलराइज होगी, आपने बताया था पोलराइजेशन में 50% इंटेंसिटी पास होती है, वो पीछे वाले केस में था, वो तब था जब एक इंटेंसिटी पूरी तरह से ब्लॉक हो गई, लेकिन यहां देखो जो 100% थी उसमें से 50% ये नहीं होती, उससे कुछ कम होती है, वजह मैं बता रहा हूं क्योंकि ये जो लाइट है ना, ये वाली ध्यान देना आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा, ये जो लाइट है ये पोलराइज पूरी तरह से हुई नहीं, अगर ये भी पोलराइज हो जाती, ये भी पोलराइज हो जाती तो 50% इसमें और 50% इसमें जाती, लेकिन ये पार्शली पोलराइज लिखा है मैंने, पार्शली
पोलराइज लिखा है, इसका मतलब पूरी तरह से नहीं हुई, तो इसमें जो इंटेंसिटी गई होगी वो 50% से ज्यादा गई होगी, 50% से ज्यादा गई होगी, और इसका मतलब ये हुआ कि अब इसमें 50 से कम और इसमें 50 से ज्यादा। तो ये जो इंटेंसिटी है, लेट इसकी इंटेंसिटी, बहुत अच्छा सवाल बनता है, ये इंटेंसिटी आई है, इसकी इंटेंसिटी आई वन है, और मान लो इसकी इंटेंसिटी आई टू है, तो आई की जो वैल्यू है वो आई वन प्लस आई टू के बराबर तो होगी, बट ये जो आई वन है, ये जो आई वन है, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं इसको और नीचे इसको हटाता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और आई टू, ये आई टू ग्रेटर देन 50%, ये लिख दिया, और इसके लिए मुझे जगह यहाँ पे, आप कहीं पे भी निकाल लेना, इसकी इंटेंसिटी आई वन है, तो मैं यहाँ आई वन को लिख रहा हूँ, ये लेस देन 50%, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्यों 50%, क्योंकि ये पूरी तरह से पोलराइज नहीं है, ध्यान रखना पार्शली पोलराइज है, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे एक तो ये है कि I इज इक्वल टू, क्योंकि टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, बट जो आई वन है मैंने बताया ये लेस देन 50%, क्योंकि ये सोचते हैं पोलराइज होगी तो 50% गई होगी, लेकिन ये तब जाती है जब ये भी पोलराइज होती है, ये पोलराइज नहीं हुई, और इसलिए आई टू ग्रेटर देन 50% होगा, ये मेन बात है, एक क्वेश्चन इस पे बन जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसका स्टेटमेंट लिखा देता हूँ, देखिए ये किताबों में नहीं मिलते, ये सब क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चन से बनती है थ्योरी, तो मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं सब बच्चों से ये बोलता हूँ कि थ्योरी आपको कहीं से नहीं पढ़नी, मेरे नोट्स सफिशियंट है थ्योरी के लिए, क्योंकि मैं जो थ्योरी बनाता हूँ वो किसी किताब की नहीं होती, वो क्वेश्चन की थ्योरी होती है, ये क्वेश्चन ही है, क्योंकि किताबों से अगर हम पढ़ने लगे ना तो एक किताब नहीं 10 किताब भी कम पड़ जाती है, क्योंकि उनमें सारे कॉन्सेप्ट ये मिलेंगे नहीं, आप घूम के बता दो किसी बुक में ये लिखा मिल जाए तो आप बता देना, एलन का पैकेज आकाश किसी में थ्योरी में नहीं मिलेगा, क्वेश्चंस में मिल जाएगा, ठीक है। हाँ ये है कि ये हम जानते हैं कि ये 90 का एंगल है, आई पी और आर की वैल्यू 90, ये सब में मिलेगा, क्योंकि अभी ब्रूस्टर्स लॉ हम यहाँ से प्रूव करने जा रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ व्हेन अ लाइट या व्हेन एन अनपोलराइज, When an unpolarized light, आज इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है, When an unpolarized light is incident at certain angle IP, the reflected light is completely polarized. ये इसका स्टेटमेंट है, अब इसमें इज कंप्लीटली पोलराइज्ड पोलराइज बाय ट्रांसमिटेड लाइट, वैसे तो मैंने उधर सब कुछ समझा दिया, ट्रांसमिटेड लाइट इज पार्शियली पोलराइज्ड, पार्शियली पोलराइज, ठीक है, जो लाइट है वो पार्शियली पोलराइज हो जाती है, ठीक, लाइट इज पार्शियली पोलराइज एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट, ये खास बात है, एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट एंड ट्रांसमिटेड लाइट, ये ध्यान रहे जब सर्टेन एंगल होगा तभी ऐसा होगा, ये नहीं कि हमेशा ऐसा होगा, एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट एंड ट्रांसमिटेड लाइट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, mutually perpendicular in this case, इस केस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो अभी जो मैंने लिखाया था कि आई पी और आर की वैल्यू कितनी होगी 90, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 90 माइनस आई पी, ठीक है। अब स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, तो यूजिंग स्नेल्स लॉ, तो देखो बाहर तो एयर मान लेता हूं और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स व्यू मान लेता हूं, तो मैं लिखूंगा 1 sin IP इक्वल्स टू म्यू साइन आर, है ना, तो ये आ जाएगा साइन आई पी और म्यू साइन आर की वैल्यू यहां से रख देते हैं, आर की वैल्यू यहां से रख देंगे तो साइन 90 माइनस आई पी, सो ये क्या बन जाएगा कॉस आई पी बन जाएगा, जगह नहीं है यहां लिखता हूं मैं, तो ये आ गया साइन आई पी इक्वल्स टू म्यू कॉस आई पी, जिसको आप इधर ले आएंगे तो म्यू की वैल्यू आ गई 10 IP, म्यू इक्वल्स टू 10 IP,
ये जो फॉर्मूला आया इसी को ब्रूस्टर्स लॉ कहते हैं, और इसमें जो एंगल आईपी है ये आईपी को पोलराइजिंग एंगल कहते हैं, पोलराइजिंग एंगल। तो आईपी लिखना हो तो टेन इनवर्स म्यू, और या म्यू इक्वल्स टू टेन आईपी, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो पहले इतना नोट करो, ये खत्म हो चुका है, इसमें मैं क्वेश्चन एक दो आपको कराता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम होगा, कोई बात नहीं, 10 मिनट और लेंगे, लेकिन अब इसके क्वेश्चन कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप में से मैं बता रहा हूँ, जो भी बच्चे कहीं पढ़ रहे होंगे ये नहीं कर पाएंगे, और इसको बच्चा आता है डाउट पूछने के लिए, 100% डाउट आता ही आता है, बच्चे को डाउट पूछने आता है, तो फिर उसको मुझे क्लियर करना पड़ता है। लेकिन अब थ्योरी पढ़ने के बाद आपको कोई डाउट ना हो, इतनी एग्जॉस्टिव थ्योरी आपको मिलेगी नहीं। ठीक है, तो अब यहां से ये म्यू इक्वल्स टू टेन आईपी, इट इज कॉल्ड ब्रूस्टर्स लॉ। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन इनवर्स म्यू, ठीक है, इट इज कॉल्ड पोलराइजिंग एंगल। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो एंगल दे देगा म्यू पूछ लेगा, या म्यू दिया होगा एंगल पूछ लेगा, तो इट इज कॉल्ड पोलराइजिंग एंगल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे होते हैं, टॉपिक तो खत्म हो चुका है, पूरा ऑप्टिक्स खत्म हो गया, एक भी चीज नहीं छोड़ी है मैंने, और बहुत डिटेल में पढ़ाया है, इतना आपको मिलेगा नहीं, कहीं कंटेंट सर्च कर ले। ठीक है, बहुत सारे पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, फिजिक्स वाला जितने भी ना, सिर्फ सब्जी वाला, फिजिक्स वाला जितने भी है, कहने की बात नहीं है, आप जो कोर्स ले रखे होंगे चेक कर लेना, कंपेयर कर लेना। ठीक है, वो लोग 6-7 साल से पढ़ा रहे हैं, मुझे 16 साल हो गए पढ़ाते हुए, यार कहीं एक्सपीरियंस कहीं मैच नहीं कर सकता। वो बात अलग है कि सही टाइम पे राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन में कोई क्लिक कर गया कि वो ऑनलाइन मोड में चला गया, 6 साल हुए, 7 साल से पढ़ा रहा है कोई बंदा। तो मैं नॉर्मली कह रहा हूँ, ये सब आपको फ्री कंटेंट अवेलेबल है नेट पे, मैंने डाल दिया, आप खुद देखो, आपका कोई फ्रेंड वगैरह पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है। लेकिन अब ये एक ऑप्टिक्स मैंने डाल दी, बाकी कंटेंट भी मैंने आपको पढ़ाई बड़ी डिटेल में और डीप में पढ़ाई है, आप ये नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, डीपीपी तो मैंने शायद आपको भेज ही दिया था। अब इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चंस कराता हूं, आप ये नोट कर लिए होंगे, मैं एक मिनट डीपीपी ओपन करता हूं, डिफ्रेक्शन तो मैंने करा ही दिया था, इसमें पोलराइजेशन का कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आप तब तक ये नोट करिए। चलिए, तो देखिए इसमें ये लास्ट डीपीपी था, आई होप कि आपको मैंने ये कल शेयर किया है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, जैसे पहला वाला क्वेश्चन ही पढ़िए, पहला वाला क्वेश्चन ही पढ़िए, इसमें कह रहा है व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इज इंसिडेंट ऑन द पोलराइजिंग शीट। अब जिस बच्चे ने ठीक से पढ़ा होगा वही इसे आंसर कर पाएगा, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच डज नॉट गेट ट्रांसमिटेड। ध्यान रहे कि यहां से जो इंटेंसिटी हमने डाली है और ये पोलराइजिंग शीट या पोलराइजर है, तो अब इसमें से जो इंटेंसिटी जो मैंने आपको बताया था कितनी इंसिडेंट की है, अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी, जिसे मैं आई आई कह रहा था, अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी को मैंने आई आई कहा था, उसे इसने आई नॉट बोला है। तो अब जब पोलराइजेशन में से जब पार निकलेगी तो आधी ही तो निकलेगी, बताया तो था इसी की आधी होती है, तो कह रहा है जो पार नहीं हुई तो आधी रुक गई, आधी पार हो गई आधी रुक गई, आंसर हो जाएगा आई नॉट बाई टू। अब सोचो ये पढ़ोगे डिटेल में तभी आपको आंसर आसान लगेगा, कोई मुश्किल थोड़ी था क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन मैंने दिया। इसी तरह से अगला जो क्वेश्चन है वो एम्पलीट्यूड को लेके, लॉ ऑफ मैलस लगा देना, ए इक्वल्स टू ए नॉट कॉस थीटा, और इसमें एंगल दे रखा है एनालाइजर, और इसमें 60 डिग्री का दिया है, कह रहा है कि लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाई एनालाइजर हैज एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कर ही लोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये अभी जो पढ़ाया उसी के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो,
when the angle of incidence of a material is 60, the reflected light is completely polarized. अभी जो डायग्राम बनाया था इसने बोला ही नहीं कौन सा लॉ लगाना, वो आपको पता करना है। ये कह रहा है कि लाइट को जब हम इंसिडेंट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है, तो ब्रूस्टर्स लॉ वाला केस बन गया, कंप्लीटली पोलराइज है रिफ्लेक्टेड मतलब ये वाला बन गया। ये आपको क्वेश्चन में पढ़ के समझ में आना चाहिए। तो यहाँ जो 60 डिग्री का जो एंगल आपको दिया ये क्या हो गया, पोलराइजिंग एंगल हो गया 60 डिग्री। फिर आगे क्या कह रहा है देखिए, तो 60 डिग्री यहाँ पे आप रखोगे 1060 तो म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये पहली लाइन से समझ में आ गया कौन सा लगाना है, तो 1060 यानी कि रूट थ्री, तो म्यू की वैल्यू रूट थ्री हो गई। आगे देखो फिर उसने कैसे रिलेट कर दिया, आगे कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ रिफ्रेक्टेड रे। अब मीडियम में म्यू पता लग गया तो वेलोसिटी पता लग जाएगी कि नहीं। वेलोसिटी क्या होती है, वी का फॉर्मूला क्या होता है, वी होता है आपका सी बाई म्यू, तो सी होता है 3 × 10⁸ और ये म्यू की वैल्यू रूट थ्री आ गई 1060, तो ये आंसर आ गया √3 × 10⁸। तो देखिए क्वेश्चन से क्वेश्चन कैसे कनेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद फोर्थ वाला ब्रूस्टर एंगल करके दिया है, मेरे ख्याल से कर लोगे, ठीक है ये आप कर लोगे, और इसके आगे वाला भी आप कर लोगे। हम करेंगे सिक्स्थ वाला, सेवन्थ वाला, एट्थ वाला और नाइन्थ वाला। नाइन्थ वाला देखिए क्वेश्चन नीट 2017 में आया है, तो नाइन्थ क्वेश्चन को करने से पहले अगर आपने सिक्स सेवन्थ एट्थ कर लिए तो नाइन्थ वाला क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। अब क्योंकि ये नीट का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा कि आप खुद से करो। मैं इसके पहले जो क्वेश्चन है वो अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको आपको बताता हूं कराता हूं और उसके बाद ये खत्म। तो देखो पहले इसमें ये वाले क्वेश्चन देखो, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, बल्कि नाइन्थ भी एक इसी तरह का है। तो मैं इसमें से कोई भी एक या दो क्वेश्चन आपको बता देता हूं, आप जो कहोगे। मैं आपको सेवंथ वाला चलो बताता हूँ, सेवंथ वाले में और इसमें एक और होगा, इसमें पांच पोलर, सिक्स्थ वाला ज्यादा अच्छा है, सिक्स्थ वाला ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो मैं सिक्स्थ वाला आपको बताता हूँ क्योंकि उसमें पांच पोलरॉइड इस्तेमाल किए, आप कंफ्यूज हो जाओगे पांच में, तो सिक्स्थ वाले को ले लेते हैं। अ बीम ऑफ नेचुरल लाइट फॉल्स ऑन ए सिस्टम ऑफ 5 पोलरॉइड, ठीक है, 5 पोलरॉइड में एक बीम को हम डालते हैं। विच आर अरेंज इन सक्सेशन, सक्सेशन मतलब एक के बाद दूसरा लगाया गया है, सच दैट द पास एक्सिस ऑफ ईच पोलरॉइड इज टर्न थ्रू एंगल 60 विद रेस्पेक्ट टू द प्रीसीडिंग, यानी एक से अगला वाला का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, उसका अगला वाला फिर सेकंड वाले से थर्ड वाले का 60 पर, थर्ड वाले से फोर्थ वाले का 60 पर, यानी यहां पे मैं एक, ये फिर दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा और ये पांचवा, ऐसे करके, ठीक है ऐसे। और ध्यान रखना ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, अच्छा ये जो है इस वाले की, इस वाली एक्सिस से इस वाले का जो एंगल है ये फिर 60 है, यानी कि ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड। तो ध्यान रखना ये सेकंड और थर्ड के बीच का एंगल है, फिर यहाँ पे थर्ड को जब आप खींचोगे तो ये थर्ड और फोर्थ के बीच में एंगल 60 है, और फिर ये फोर्थ वाला है और ये फिफ्थ वाला है। मैं फोर्थ वाले की पोजीशन यहाँ बना रहा हूं, लेकिन फोर्थ वाला ऐसे करती है ना, ये फर्स्ट वाले की पोजीशन है, और ये फाइनल इंटेंसिटी यहाँ पे क्या मिलने वाली है ये बताना है, और यहाँ जो इंटेंसिटी है वो बताई नहीं है, तो मैं इसको आई आई कर लेता हूँ, कितनी कर लेता हूँ आई आई, ध्यान रखना इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी है। तो सबसे पहले पोलराइजर में यही गलती करोगे, यहाँ कितनी होगी, इसकी आधी होगी, आई आई बाई टू होगी, ध्यान रहे आई आई बाई टू, पहले से जब निकलती है तो हमेशा 50% ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो एक बार और पढ़ लेते हैं, 60 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू द प्रीसीडिंग वन, द फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी दैट पासेस थ्रू द सिस्टम, यानी ये जो इंटेंसिटी मिली वो इसका कितना परसेंटेज है, यानी हमें बताना है आई अपॉन आई आई, और परसेंटेज में तो 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो बाद में कर लेंगे, तो ये मेन निकालना है, ठीक है। मैं अब इस स्क्रीन को थोड़ा हाइड करता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है, आपको सारे कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएंगे, आगे के क्वेश्चन आप कर लोगे। देखो आई आई है तो पहले से निकलने के बाद मैंने बताया था आई आई बाई टू, सबसे पहली गलती बच्चा यही करता है। इसके बाद यहां से जब भी आप करोगे कोई भी दो एट ए टाइम जब लोगे तो पिछले का और अगले का एंगल देखा जाता है, तो यहां से इंटेंसिटी जो मिलेगी इधर वो इंटेंसिटी कितनी होगी, cos स्क्वायर 60 हो जाएगी, पिछले वाले का cos स्क्वायर 60, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, और cos स्क्वायर 60 का मतलब 1/4, यानी कि पीछे जो थी उसका ये 1/4 हो जाएगी, मैं डायरेक्ट लिखते जा रहा हूं, तो 1/4 यानी i/8, वो समझा दिया, लॉ ऑफ मैरस cos स्क्वायर 60,
तो यहाँ पे cos square 60 की वैल्यू 1/4, तो पिछले वाले का 1/4, फिर ये इन दोनों की सेकंड और थर्ड के बीच का एंगल 60 है, तो इसमें ये मिली तो इसका फिर cos square 60 हो जाएगा, यानी आई आई बाई 32 हो गया, cos square 60 और 1/4 इन दोनों के बीच में सेकंड बना दिया, सेकंड यहाँ है लेकिन इसकी एक्सेस दिखाई 60, फिर अगला थर्ड और फोर्थ के बीच में तो उसका भी cos square 60 यानी 1/4, तो इसका 1/4 करोगे आई आई बाई 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 128, और फिर इसका फिर 1/4 क्योंकि ये एंगल भी 60 है, तो ये फिर इसका भी 1/4, तो आई आई बाई और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 48 और 4 3 32 512, ये इंटेंसिटी आ गई आपकी आई। अब क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहा था, ये इधर आ जाएगा, ये परसेंटेज में नहीं बताना शायद मेरे ख्याल से, सो आई आई अपॉन दिस, तो ये 512 1/512, ये फ्रैक्शन इसका ट्रांसमिट हुआ। आई होप कि समझ में आया होगा, इसको आप आंसर दिखाता हूं पहले तो मैं आपको इसका, फिर एक बार चाहो तो सॉल्यूशन एक बार फिर देख लेना। सो इसमें कोई ऑप्शन है 512 वाला, डी वाला, सिक्स्थ का डी, सिक्स्थ का डी, मैं पहले आंसर दिखाता हूं आपको, सिक्स्थ का डी आपको आंसर नजर आ गया, सिक्स्थ का डी आंसर है, ठीक है। इसी तरह से आप चाहो तो सेवंथ वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हो, सेवंथ वाला क्वेश्चन और एट्थ वाला और नाइन्थ वाला मिलते जुलते हैं, मैं चाहूंगा नाइन्थ वाले को आप खुद से करके देखो, मैं एक एट्थ वाला बता देता हूँ आपको, ठीक है, एट्थ वाले को मैं बता देता हूँ क्योंकि उसमें साइन स्क्वायर वगैरह तो थोड़ा मेडिकल के बच्चों को दिक्कत आएगी, बाकी सेवंथ नाइन्थ में छोड़ देता हूँ, प्रैक्टिस आपको भी करनी है लेकिन इतना अगर सीख लोगे तो कर ही लोगे, ठीक है। तो अब इसमें एट्थ वाला देखो, टू पोलराइड आर प्लेस्ड इन पाथ ऑफ अनपोलराइज्ड बीम ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट सच दैट नो लाइट इज एमिटेड। देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ठीक है, टू पोलराइड्स आर प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ अनपोलराइज्ड बीम ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट सच दैट नो लाइट इज ट्रांसमिटेड। इससे बात समझ गए होंगे, दो पोलराइड का मतलब एक पोलराइजर है और दूसरा एनालाइजर है, दोनों के एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री, ठीक है, ये अभी मैं फिगर आपको दिखा दूंगा बड़ा करके। तो दो पोलराइड मैंने कहा था ना, दोनों क्रिस्टल एक जैसे होते हैं, बस उनके रोल अलग अलग होते हैं, पहला पोलराइज करता है दूसरा एनालाइज करता है, इसलिए एनालाइजर कह देते हैं। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि दो पोलराइड हैं तो एक एनालाइजर कैसे हो गया, भैया एनालाइजर पोलराइजर है तो उनके काम की वजह से नाम है, ये काम करता है, ठीक है। अब कोई वेल्डिंग करने वाला है तो उसको वेल्डर कह देते हैं, ठीक है, बस का ड्राइवर है तो ड्राइवर नाम दे दिया ना, उसको काम की वजह से नाम दे दिया, नाम तो कुछ और होगा। तो ऐसे ही ये पोलराइड है दोनों, ठीक है, तो ये दूसरा पोलराइड है, ये पहला है और ये दूसरा है, और ये दूसरे की एक्सिस पहले से 90 पर है। 90 पे मैं क्यों कह रहा हूँ पता है, क्योंकि ये कह रहा है कि यहाँ कोई लाइट नहीं मिल रही, इंटेंसिटी जीरो मिल रही है, तो वो तभी होगा जब एंगल कितना होगा 90 होगा। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। अब ये जो इसमें कहा है ना, उसी तरह से सेवंथ और नाइन्थ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल एट्थ के जैसा है, पर सेवंथ और नाइन्थ रिलेटिवली आसान लगेंगे आपको, एट्थ वाले में थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री की एक्सप्रेशन है इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, दोनों के कॉन्सेप्ट बिल्कुल एट्थ के जैसे हैं, ठीक है। तो अब कह रहा है इफ अ थर्ड पोलराइड हुज पोलराइजेशन एक्सिस मेक्स एन एंगल थीटा विद द पोलराइजेशन एक्सिस ऑफ द फर्स्ट पोलराइड, पहले वाले पोलराइड के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए तीसरा रख दिया जाता है, बीच में एक तीसरा रख दिया जाता है जिसका एंगल ये पहले वाले से, जिसका एंगल पहले वाले से कितना है थीटा है, और ये थर्ड वाला, तो जाहिर सी बात है पहले वाले से अगर थीटा है तो इस वाले से सेकंड वाले से 90 माइनस थीटा बचेगा, ये थर्ड वाले की एक्सिस यहां आ गई थर्ड वाले की, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल टोटल मिला के पहले और दूसरे में 90 है, तो पहले और तीसरे में क्योंकि थीटा है तीसरा वाला बीच में रखा है, ध्यान रहे। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं अभी फिगर दिखाऊंगा, इस प्लेस बिटवीन दीज पोलरॉइड देन द इंटेंसिटी लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द लास्ट पोलरॉइड, लास्ट वाला ये, इससे कितनी इंटेंसिटी बाहर आ रही होगी और जो इंटेंसिटी है अनपोलराइज्ड बीम की वो आई नॉट है। अब क्वेश्चन पूरा आ गया इस बोर्ड पे, अब मैं इसको स्क्रीन को हटा देता हूं ये वाले क्वेश्चन का। अब देखिए यहां मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, क्वेश्चन में कह रहा है कि इंसिडेंट लाइट की अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी को आई नॉट, कंफ्यूज मत हो ना, आपने कहा इसको तो आई आई लिखा था, वो दिया नहीं था तो हमने आई आई ले लिया, अब ये कह रहा है इंसिडेंट लाइट अनपोलराइज्ड वाली आई नॉट है, आई नॉट है, और ये कह रहा है कि एक यहाँ रखा था 90 के एंगल पे जिससे कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन अब एक तीसरा बीच में इस तरह से रखा कि पहले के साथ उसका एंगल थीटा बन रहा है, तो जब ये बीच में रखा, क्योंकि एक्चुअल में ऐसे रखे, आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं इससे समझाता हूँ आपको। देखो ये ऐसे समझो, यहाँ पे ये एक पोलराइजर है ग्रीन वाला, और ये रेड वाला ये एनालाइजर है, ठीक है, ऐसे आपको समझ में आएगा।
ये 90 का एंगल हो गया दोनों के बीच में। तो अब ये ग्रीन वाला पोलराइजर है, ये एनालाइजर है, एक तीसरा बीच में रख दिया ऐसे करके तीसरा, और ये जो तीसरा रखा है इसका तीसरे वाले का एंगल ऐसे, तीसरे वाले का एंगल ये थीटा दिया है पहले से, तो दूसरे वाले से 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, पहले से इसका थीटा दे दिया है बीच में जो लगाया ये तीसरा वाला है, तो इसका एंगल ये वाला थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, वही मैंने दिखाया है। अब कह रहा है कि यहाँ जो इंटेंसिटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, तो अब इसको इसी सीक्वेंस में सॉल्व करना है। देखो आई नॉट ये है तो पहले के बाद कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है, जैसे यहाँ की थी, जो भी होगी अनपोलराइज, अनपोलराइज है कह रहा है क्वेश्चन में, अनपोलराइज की वैल्यू को आई नॉट का है तो आधी हो गई। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगी, तो पिछले वाले की कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, थीटा का एंगल है, तो मैं यहां लिखता हूं या यहां पे नीचे ही लिख देता हूं आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद आगे जब जाएगी तो इसमें तीसरे और दूसरे के बीच में 90 माइनस थीटा है, तो अब यहां जो इंटेंसिटी जो हमें चाहिए वो पिछले वाले की यानी कि आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो पिछला वाला था उसका कॉस स्क्वायर और थीटा कितना है यहाँ पे 90 माइनस थीटा। मैंने क्यों ये क्वेश्चन लिया, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। अब पीछे जो आपको इसमें शीट में क्वेश्चन 7 और 9 दिए ना, उसमें थीटा की वैल्यू 30 दे दी है, सेम क्वेश्चन है, थीटा की वैल्यू 30 दे दी है, तो फिर ये 60 हो जाएगी, तो वहां वैल्यू रखोगे तो थोड़ा आसान होता, इसको सॉल्व करने में मुश्किल आ सकती थी मेडिकल के बच्चे को। तो ये देखिए 90 माइनस थीटा है, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये आपका आंसर आया। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो जो इंटेंसिटी हमें चाहिए आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो यही रहा, और ये बन जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। एक आंसर तो ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसे आंसर वहां नजर नहीं आ रहे, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई ऊपर और 4 का मल्टीप्लाई नीचे कर देता हूं, उससे फायदा क्या होगा अभी समझ में आ जाएगा। ये तो 8 हो गया, और ये 4 को इसके साथ लो और इसे लिखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर, इस पूरे है ना, और ये फॉर्मूला आप जानते ही हो। ये आंसर सही था बट ऑप्शन में नहीं दिया है वहां पे, तो अब आई नॉट बाई 8 और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन टू थीटा और उसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ये आंसर आपका आ गया। अब आप देख लो, और ऐसे ही 7th और 8th वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, अगर आप नोट नहीं कर पाए थे मैं थोड़ा सा स्क्रीन चेंज कर दी थी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये आंसर आ गया, मैं आंसर दिखाता हूँ, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और है इसमें जो मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए, बाकी आज की क्लास को ओवर करेंगे इसके साथ ही। एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, थोड़ा आज क्लास एक्स्ट्रा हो गई, कोई बात नहीं, लास्ट क्लास है, और बीच में थोड़ा सा मैंने कोशिश करी आपको मोटिवेट करने की, क्योंकि मोटिवेशन बहुत बड़ा फैक्टर है, उससे आप लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी। खैर आप ये देखिए, पहले ये नोट कर लिया होगा आपने, आंसर दिखाता हूं मैं आपको, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। तो इसमें क्वेश्चन आपका 8 का आंसर ए नजर आ रहा होगा आपको, एट का आंसर मैं आपको दिखाता हूँ, 8 का आंसर ए आप देख सकते हैं। 7th और 9th क्वेश्चन में ये एंगल थीटा 30 या 60 दिया, तो एक 30 है दूसरा 60 हो जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कर लेना, नीट का है। अब इसमें मेरे ख्याल से ये तो इजी क्वेश्चन है, 10th वाला आप कर लोगे, इसमें इसके अलावा जो 12th वाला क्वेश्चन है, 12th वाला पढ़ लो, कराऊंगा नहीं, क्योंकि 12th के जैसा क्वेश्चन, ये 3 पोलरॉइड लगाए हैं ये वाले, ये 3 पोलरॉइड, वही क्वेश्चन है, देखिए बार बार घूम फिर के वही क्वेश्चन जेई मेन में आ गया, 2019 में आया जेई मेन में, ये भी क्वेश्चन यही है, ये पढ़ लेना, मैं कराऊंगा नहीं क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है। अब जैसे मैंने कहा ना 7th 9th आप कर लोगे, 12th भी उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है, 12th कर लोगे, 10th इजी था, 11th में बताना चाहूंगा, और बताना क्या चाहूंगा, एक्चुअली बता दिया है आपको, अभी 11th हम लास्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले ये कह रहा है क्वेश्चन में, द ब्रूस्टर्स एंगल आई बी फॉर एन इंटरफेस शुड बी, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, तो ब्रूस्टर्स एंगल आई बी फॉर एन इंटरफेस शुड बी, चलो इसको अभी करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 11 देख लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 11 आप देख लो, तो क्वेश्चन नंबर 11 में यहां पर कह रहा है अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट, पढ़ लो क्वेश्चन, आसान है, मैं बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट, मैंने इसीलिए कहा था ये क्वेश्चन मिलेंगे, मेरी थ्योरी क्वेश्चन से बनती है, किताबों से नहीं। अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इज इंसिडेंट ऑन द सर्फेस ऑफ ए ब्लॉक ऑफ ग्लास एट ब्रूस्टर्स एंगल, एट ब्रूस्टर्स एंगल
इन दैट केस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, क्या कह रहा है, रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज, यहां तक तो ठीक है ब्रूस्टर एंगल पे, विद इंटेंसिटी लेस देन आई नॉट बाई टू, मैंने तो यही लिखाया था आपको याद हो 50% से कम, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया, कह रहा है कंप्लीटली पोलराइज और आई नॉट बाई टू से कम, तो सही हो गया, ट्रांसमिटेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज, तो ये तो गलत है क्योंकि पार्शली पोलराइज होती है, ठीक है, विद इंटेंसिटी लेस देन आई नॉट बाई टू, तो ये गलत हो गया, ट्रांसमिटेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज, ये भी गलत है, कंप्लीटली पोलराइज नहीं पार्शली पोलराइज, विद इंटेंसिटी लेस देन आई नॉट बाई टू, तो ये भी नहीं, फिर कह रहा है रिफ्लेक्टेड लाइट इज पार्शली पोलराइज, तो रिफ्लेक्टेड लाइट पार्शली पोलराइज नहीं होती कंप्लीटली होती है, तो ये भी गलत हो गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब आपको मैं ऑप्शन दिखाता हूँ 11 का, ये बता दिया ना मैंने आपको, अब थ्योरी अगर अच्छे से करोगे, क्वेश्चन तो आप जेई हो या नीट हो किसी का भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ए, और आंसर ए ही है। अब आप देखिए कि इसमें कुछ करने का था क्या, कुछ भी करने का नहीं था, आप देखिए कि ये ऑप्शन क्लियरली रखा हुआ है, बशर्ते आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ाओ ए वाले में। अब ये देखिए क्वेश्चन जो 13 आया है, ये बच्चों को ट्रिकी लग सकता था, लेकिन इसमें ट्रिकी लगने वाली कोई चीज ही नहीं थी, सिंपल सा है कि अब बच्चा सोच रहा है कि क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, तो इसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा म्यू इक्वल्स टू 10 IP, ठीक है, आप मुझे बताइए, और मैं चाहता हूं कि आप अपना माइक म्यूट करके बोले, आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी मुलाकात है आपसे, तो आप अपना माइक म्यूट करके बता सकते हैं कि ये जो मीडियम था इसका म्यू था और बाहर एयर थी, तो आप मुझे बताओ ये डेंसर था कि रेयर था, बोल सकते हो आप अगर बोलना चाहो, ये डेंसर था कि रेयर था, डेंसर और डेंसर की वैल्यू इसके रेस्पेक्ट में, तो म्यू की वैल्यू क्या होगी भैया बता सकते हो, एक से बड़ी कि एक से छोटी, एक से बड़ी, एक से बड़ी, अब आप मुझे बताओ एक से बड़ी अगर वैल्यू आएगी तो 10^45 की वैल्यू, 10^45 की वैल्यू एक होती है, और आप 10^45 से छोटी वैल्यू जैसे ले लो 10^30 ले लो, 10^30 या 10^37 ले लो, मैं ये वो वैल्यू बोल रहा हूँ जो आप जानते हो, तो ये वैल्यू जो आएगी 1/√3, तो 1/1.732 देख के समझ में आ गया एक से छोटी है, 10^37 3/4.75 होती है, ये भी एक से छोटी है, पहली बार 10^45 पे जाके वैल्यू हमको 1 मिलती है, 10^45 पे जाके वैल्यू 1 मिलती है, यानी म्यू की वैल्यू 45 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि म्यू की वैल्यू क्लियरली एक से बड़ी है। क्या है कि क्वेश्चन तो ईजी था लेकिन बच्चे के समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हो जाता मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख के, तो एंगल हमारा 45 से बड़ा होना चाहिए, और 45 से बड़े वाले ऑप्शन में सिर्फ सिर्फ एक ही आंसर है, कौन सा, डी वाला, एक ही आंसर है 45 से बड़ा, डी वाला आप देख सकते हैं, फ्री के क्वेश्चन है, ठीक है, तो चलिए अब बस इतना ही था आपसे कहना, मैं आपको बस यही बोलूंगा कि मोटिवेटेड रहिए, मैंने अपने पार्ट पे जो हो सकता था बेस्ट आपके लिए किया, जितना मेरे से बन सकता था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कंपेयर करो, हो सकता है मुझसे भी कोई अच्छा कर रहा हो पढ़ा रहा हो, लेकिन जितना मेरे से पॉसिबल था जो बेस्ट हो सकता था टाइम के लिए, आगे भी जुड़े रहेंगे आपके डाउट्स वगैरह होंगे, अभी तो नीट का एग्जाम है जेई का एग्जाम है, बट मेहनत करिए, बस आपसे यही कहना है, मोटिवेटेड रहिए मेहनत करिए, लगता है ऊब रहे, दो दिन का एक दिन का आधा घंटे का दो घंटे का चार घंटे का ब्रेक ले लो पढ़ाई से, घर में बैठे बैठे बोर अगर हो जाते ब्रेक लीजिए, लेकिन कंटिन्यूटी रखिए, ध्यान रखिए कंटिन्यूटी बहुत बड़ी चीज है, हम अगर देखिए पूरी साल तो नहीं हमने पढ़ा क्योंकि कोरोना की वजह से क्लास ही बहुत लेट स्टार्ट हुई ऑफलाइन, लेकिन आप देखो कि कंटिन्यूटी अगर बनाए रखी हमने तो कोर्स कंप्लीट भी हो गया आपका, और मुझे भी अच्छा लग रहा है, उम्मीद है आपको भी अच्छा लग रहा होगा। अब भैया कोई ये मत बोलना कि सर आपने यूनिट डायमेंशन नहीं पढ़ाया, अब टारगेट बैच में या यूनिट डायमेंशन पढ़ाया जाए मुझे तो नहीं लगता, फिर भी अगर आपकी बहुत ख्वाहिश है दिली ख्वाहिश है, मैथमेटिक्स आज शाम को 6-7 शुरू हो रहा है, किसी को करना हो आप उसमें आके कर सकते हैं, वीडियो भी पड़े हुए हैं, ठीक है, स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर्स तो बहुत अच्छा मैंने पढ़ाया है, मतलब मैं कंपेयर करके बोल रहा हूँ, मैं अपनी कोई तारीफ नहीं करता हूँ, आपने देखा भी, लेकिन मैंने पढ़ा है रिलेटिवली, और मैंने थ्योरी, मैंने कहा ना जैसे क्वेश्चन कराए तो थ्योरी में बहुत डिटेल में कराया है, और हर तरह के क्वेश्चन मैंने कवर करी, अगर आपको करना हो मेडिकल में तो 2 ही बार क्वेश्चन आए स्क्रू गेज पे, तो ईजी क्वेश्चन आए स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैंने IIT वगैरह के सारे जो टॉप लेवल के क्वेश्चन थे सारे करा दिए, ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट पे बहुत अच्छी थ्योरी आपको मिल जाएगी, वेक्टर के भी पड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से वेक्टर सबको आता है, कोई जरूरत नहीं, ठीक है, बस लगे रहिए जम के मेहनत करिए, और सबसे जरूरी चीज है मोटिवेशन, बहुत बड़ी चीज है मोटिवेशन, अगर आपके पास है, अगर डीमोटिवेट हो गए ना तो कुछ नहीं हो सकता, आप मोटिवेटेड रहिए, बीच में जरूरत पड़े
तो आप नेट पे यूट्यूब पे चले जाइए, बहुत सारी आपको मोटिवेशनल स्टोरी मिल जाएंगी। एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ, एक लड़की का, अरुणिमा सिन्हा, नाम सुना हो शायद आपने, रेलवे ट्रैक पे इंजर्ड हो गई थी, किसी ने उसको मारपीट, कुछ ट्रेन से ट्रेवल कर रही थी, चेन स्नेच करके उसको फेंक दिया, कुछ लोग बदतमीजी कर रहे थे, ट्रेन निकली, पैर कट गया, टूट गई, रात भर बेहोश रही, सुबह होश आया, फिर हॉस्पिटल आई, एक पैर कट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है तो भगवान ने जरूर मेरे सामने अगर ये चैलेंज पोज किया कि देख आगे की लाइफ तेरी जो है वो खराब मैंने कर दी, तो भगवान ने अगर चैलेंज पोज किया है तो जरूर कुछ मेरे लिए अच्छा सोचा होगा। और उस लड़की ने पता क्या किया, अगर आपने सुना होगा तो, अरुणिमा सिन्हा ने एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया एक पैर से। और जब वो इंडिया की सबसे पहली लेडी, बछेंद्री पाल, नाम सुना होगा, जिसने माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी, इंडिया की पहली लेडी जिसने माउंट एवरेस्ट, उसके पास जब गई तो वो देख के चौंक गई कि तुम एवरेस्ट चढ़ोगी, एक जो हाथ पैर साबित वाले जो लोग होते हैं वो नहीं चढ़ पाते, तुम चढ़ोगी? बोली कि हाँ मैं चढ़ूंगी। तो उसने क्या कहा कि अगर तुमको इतना हौसला है और हिम्मत है और तुम मेरे पास आई हो तो मैं आज तुमसे कहती हूँ कि तुम 100% एवरेस्ट को फतेह करोगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है, मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज होती है, करके दिखाया। और एवरेस्ट नहीं, दुनिया की जो टॉप 7 समिट हैं, पीक हैं, उन सबको फतेह किया। ये एक इंसिडेंट है, ऐसे बहुत सारे आपको इंसिडेंट मिल जाएंगे। मोटिवेशनल स्टोरी आप पढ़िए, कभी लगता है पढ़ाई से ब्रेक लो, लेकिन मोटिवेटेड रहना। आपका अल्टीमेट एम क्या है? अपना एग्जाम नीट या जेई का क्वालिफाई करना, और उसके लिए जो करना पड़े वो करना है। अगर पढ़ाई बीच में छोड़नी है, घंटे दो घंटे के लिए पढ़ाई छोड़ दो, 4 घंटे के लिए छोड़ दो, एक दिन लगता है कि नहीं पढ़ना, वैसे इतना नहीं करना है, घंटे दो घंटे का ब्रेक लो, कहीं डीमोटिवेशन, इससे अच्छा कोई वीडियो देख डालो, बहुत सारे जो टॉक्स करके है उस पे मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाते हैं, और भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। सबसे मेन चीज है मोटिवेशन। ये एक ऐसी चीज है कि अगर आपके पास मोटिवेशन है तो आप, मैं कह रहा हूँ, पत्थर में से भी पानी निकाल सकते हो। मोटिवेशन वो चीज है। तो बहुत सारी, एक मूवी आपने देखी होगी, माजी द माउंटेन मैन, फिल्मों से भी इंस्पिरेशन मिलता है और रियल लाइफ स्टोरी है, मिल्खा सिंह की स्टोरी देख लो, बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आप मोटिवेटेड रहिए और आप 100% सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि मोटिवेशन अगर आपके पास है, हार्ड वर्किंग आप हैं, डेडिकेशन आपके पास है, तो सक्सेस तो झक मार के आपके पास आएगी, कोई रोक नहीं सकता। चलिए, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, ठीक है, और कोई दिक्कत है आप टच में रहिए और टेस्ट जरूर दिया करो, ठीक है, चलिए रुकते हैं आज।